हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी सत्यरंजन स्वाइन। तो चलो आज आपका जो भी पार्ट नंबर 9, इसमें हम डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम वो चैप्टर को खत्म करेंगे। एंड ये चैप्टर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैप्टर का यूज हर एक क्वेश्चन में आता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली आपका जो बड़ा क्वेश्चन आता है एमसीक्यू का, जो केस स्टडी बेस प्लस आपका लॉन्ग टाइम क्वेश्चन का सबसे बड़ा क्वेश्चन में इसका यूज होता है। तो इसको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, फिर भी हम इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो चलो शुरू कर देते हैं। उससे पहले आप हमारा जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। आपके लिए बेनिफिट होगा, बहुत सारा आगे वीडियो जाएगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिट है एंड आपको एग्जामिनेशन में ये पास करेगा। तो चलो बिना कोई देरी से शुरू कर देते हैं। पहले इलस्ट्रेशन खत्म करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को जाएंगे। तो आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर वन है। तो आ जाइए पेज नंबर 7 को। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, पेज नंबर 7-6 में है शायद, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। तो चलो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ लेते हैं, क्या दिया है देख लेते हैं। एग्जाम इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पे आपको एग्जामिन करना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ये जो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है, ठीक है, या करेक्ट है या इनकरेक्ट है। पहले है फॉर ग्रांट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 80JJAA, जो कि था न्यू एम्प्लॉयमेंट के ऊपर 30% डिडक्शन मिलता है। फाइलिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इन प्रेस्क्राइब फॉर्म इज मस्ट फॉर ए कॉर्पोरेट एसेस, मीन्स जो कंपनी के लिए यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना कंपलसरी है। एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद इन द ड्यू डेट लेट डाउन अंडर सेक्शन नंबर 139(1) इज नॉट रिक्वायर्ड, मीन्स यहाँ पे ओनली ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने से हो जाएगा क्या? अगर वो नॉर्मल रिटर्न जो की है 139(1) में नॉर्मल रिटर्न अगर वो फाइल नहीं करता है तो भी उसको डिडक्शन मिलेगा क्या? तो मैं आपको बता देता हूँ, 80JJAA में डिडक्शन के लिए उसको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा 44AA प्लस उसको रिटर्न नॉर्मल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 139(1) में, मीन्स दोनों ही उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। ओनली एक ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने से नहीं होगा, उसको उसके साथ भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा तभी उसको डिडक्शन मिलेगा 80JJAA। तो ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो गलत है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, समझ आ गया, ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है अगर वो ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर देगा तो चलेगा, अगर वो रिटर्न नहीं फाइल करता है, नहीं, दोनों को फाइल करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। उसके बाद है फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न, जो कि अंडर सेक्शन नंबर 139(4) में आता है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 विल बी डेबार एंड असेस इट फ्रॉम क्लेमिंग डिडक्शन अंडर 80QQB, मीन्स डेबार मीन्स वो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, वो रेस्ट्रिक्ट करेगा क्या 80QQB में डिडक्शन क्लेम करने के लिए। यहाँ पे अगर वो बिलेटेड रिटर्न फाइल करता है तो वहां पे वो एलिजिबल नहीं होगा, उसको नॉर्मल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा तभी उसको 80QQB में डिडक्शन मिलेगा। अगर वो बिलेटेड रिटर्न फाइल करता है तो वहां पे उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो करेक्ट है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है करेक्ट है। यहाँ पे उसको नॉर्मल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा जो कि आता है सेक्शन नंबर 139(1) में, उसको नॉर्मल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा तभी उसको डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, समझ आ गए। तो यहाँ पे उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1। उसके बाद चलो इसमें बहुत सारा इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 को आ जाइए, पेज नंबर आपका 11 है। तो यहाँ पे है इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, तो चलो इसको पढ़ लेंगे क्या दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है कि कॉम्प्यूट दी एलिजिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 80C। तो यहाँ पे 80C के बारे में बोला है कि डिडक्शन कॉम्प्यूट करना का है असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय मिस्टर गणेश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 2022, द डिटेल्स ऑफ व्हिच आर गिवन हियर अंडर। तो यहाँ पे मेनली डिडक्शन किसके बारे में दिया है, जब हम कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं किसको, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, LIC को, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन या प्रीमियम पेड करते हैं तो वहाँ पे 80C में डिडक्शन मिलता है, तो उसके बारे में बोला है। तो वहाँ पे क्या बोलता है कि अगर आप जो भी पॉलिसी लेते हैं 5 अप्रैल 2013 के बाद, तो वहाँ पे 10% ऑफ सम एश्योर्ड और आपका जो भी प्रीमियम पेड व्हिच एवर इज लो डिडक्शन मिलेगा 80C में। दूसरा था अगर 5 अप्रैल 2013 मीन 31 मार्च 2013 से 13 या 12 से पहले अगर वो लेता है 12 मेनली, तो वहां पे उसको 20% ऑफ सम एश्योर और प्रीमियम पेड व्हिच एवर इज एर्लियर। उसके बाद 5 अप्रैल 2012 के बाद अगर वो लेता है प्लस उसको डिजेबिलिटी या स्पेसिफाइड डिजीज है, तो वहां पे 15% ऑफ सम एश्योर और आपका एक्चुअल प्रीमियम पेड व्हिच एवर इज लोअर उसको अलाउ हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिया है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इशू ऑफ पॉलिसी दिया है, मीन्स कब वो पॉलिसी लिया था, उसके बाद यहाँ पे पर्सन इंश्योर मीन्स कौन सा पर्सन के लिए वो इंश्योरेंस लिया था, उसके बाद एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर मीन्स यहाँ पे
जो पॉलिसी का वैल्यू कितना है, सम एश्योर्ड मीन्स वैल्यू कितना है, उसके बाद यहाँ पे कितना प्रीमियम पेड किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 2022। ठीक है, तो चलो यहाँ पे पॉलिसी कब लिया था, तो सीरियल नंबर वन में पॉलिसी लिया था 30 मार्च 2012, सेल्फ के लिए लिया था, मीन्स यहाँ पे 30 मार्च 2012 मीन्स 5 फरवरी 2012 से पहले, तो यहाँ पे 20% ऑफ सम एश्योर्ड और प्रीमियम पेड, तो सम एश्योर्ड है यहाँ पे 6 लाख, तो 6 लाख का अगर 20% देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 1,20,000 और आपका ये जो प्रीमियम पेड है 51,000, तो यहाँ पे 1,20,000 और 51,000 विच इज वेरी लो, तो लोअर अगर यहाँ पे देखेंगे लोअर अमाउंट है यहाँ पे 51,000, तो यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा 80C में, डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 80C कितना होगा यहाँ पे 51,000, समझ आ गए, तो यहाँ पे 51,000 का डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद है सीरियल नंबर टू में 1 मई 2017 में लिया है, मीन्स यहाँ पे 10% मिलेगा सम एश्योर्ड का, स्पाउस के लिए यहाँ पे अलाउ हो जाएगा, सेल्फ स्पाउस एंड उसका चिल्ड्रंस के लिए मिल जाएगा, चाहे वो मेजर हो या माइनर हो, डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, तो भी यहाँ पे मिल जाएगा, पेरेंट्स के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ पे सम एश्योर्ड है 1.5 लाख एंड यहाँ पे 20,000 है उसका प्रीमियम पेड, तो यहाँ पे हम मेनली 1 अप्रैल 2012 के बाद है, तो यहाँ पे 10% लेंगे, तो ये 1.5 लाख का 10% अगर देखेंगे यहाँ पे 15,000 है, ठीक है, यहाँ पे 15,000 है, तो यहाँ 15,000 और 20,000 विच इज वेरी लोअर, तो लोअर अगर देखेंगे यहाँ पे 15,000 है लोअर, तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे, ये 15,000 है एंड यहाँ पे 20,000, तो लोअर है 15,000 है, सिंपल है, इजी है, इसके रिलेटेड हम टीडीएस में ऑलरेडी क्वेश्चन किए थे। उसके बाद है थर्ड में दिया है 1 जून 2019 एंड यहाँ पे हैंडीकैप सॉन है जो कि कवर होता है सेक्शन नंबर 80U डिजेबिलिटी मीन स्पेसिफाइड डिजेबिलिटी में वो कवर होता है, तो वहां पे 1 अप्रैल 2013 के बाद अगर लेगा प्लस स्पेसिफाइड डिजीज या डिजेबिलिटी है, तो वहां पे 15% ऑफ सम एश्योर्ड और आपका प्रीमियम पे, तो यहाँ पे 15% लेंगे, 50% ऑफ सम एश्योर्ड 4 लाख का 15% है, तो यहाँ पे अगर 4 लाख का देखेंगे तो ये है 60,000 और प्रीमियम पेड, तो प्रीमियम पेड है यहाँ पे 80,000 व्हिच इज वेरी लोअर, तो लोअर है यहाँ पे 60,000, तो 60,000 को हम लेंगे यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, उसके बाद चलो चलते हैं आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इलुस्ट्रेशन नंबर 3 है, नेक्स्ट पेज में है, चलो यहाँ पे इलुस्ट्रेशन नंबर 3 को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आ जाइए यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है कि अन इंडिविजुअल एसेसी, यहाँ पे इंडिविजुअल एसेसी है एंड रेसिडेंट इन इंडिया, तो वो रेसिडेंट है इंडिया का है। उसके बाद हैज मेड दी मेड किया है फॉलोइंग डिपॉजिट और पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 2022, तो ये कुछ फॉलोइंग डिपॉजिट या पेमेंट किया है फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 2022 के लिए, तो क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है, यहाँ पे पर्टिकुलर दे दिया, अमाउंट दे दिया। तो पहला है वो कंट्रीब्यूशन किया है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए यहाँ पे सेक्शन है 80C में डिडक्शन मिल जाता है, पीपीएफ को अगर हम कंट्रीब्यूशन करेंगे तो वहां पे 1.5 लाख तक एग्जेम्पशन मिल जाता है, डिडक्शन मिल जाता है 80C में। और क्या किया है, और क्या है यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ ऑफ स्पाउस, तो स्पाउस यहाँ पे कवर हो जाता है, उसका लाइफ के लिए अगर हम LIC पेमेंट करेंगे, प्रीमियम पेड करेंगे, तो वहां पे 80C में भी डिडक्शन मिलता है। बट पॉलिसी कब टेकन की है, पॉलिसी टेकन की है 1 अप्रैल 2016 मीन 1 अप्रैल 2012 के बाद है, मीन्स यहाँ पे 10% लेंगे। ठीक है, तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड और प्रीमियम पेड, तो यहाँ पे सम एश्योर्ड कितना है, एश्योर्ड वैल्यू है 2 लाख, तो 2 लाख का 10% अगर देखेंगे यहाँ पे 2 लाख का अगर 10% देखेंगे ये होगा 20,000 है। ठीक है, ये 20,000 है और यहाँ पे प्रीमियम पेड है, प्रीमियम पेड है 25,000 है, तो ये दोनों को लोअर देखेंगे कौन सा होगा, ये 25,000 और 20,000, तो लोअर होगा 20,000, तो यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा, ये 1,50,000 है प्लस यहाँ पे 20,000 है। ठीक है, 20,000 है, तो टोटल है 1,70,000 है 80C में, बट यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है कि 80C में मैक्सिमम वो 1.5 लाख का डिडक्शन ले सकता है, मैक्स टू मैक्स मीन्स रेस्ट्रिक्टेड है, 1.5 लाख तक वो डिडक्शन 80C में ले पाएगा मैक्सिमम। चलो यहाँ पे वही पूछा है, मैक्सिमम 1.5 लाख वो ले पाएगा, व्हाट इज द डिडक्शन अलाउबल अंडर 80C फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, 2022, 2023 असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर 2021 एंड 2022। ठीक है, ये आपका हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन चलते हैं, तो नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन है यहाँ पे पेज नंबर 25। ठीक है, पेज नंबर 25 को आ जाइए, ये है इलुस्ट्रेशन नंबर 4, तो चलो इसको पढ़ लेते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पे दिया है कि द बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर ए इज 1 लाख पर मंथ, तो यहाँ पे बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर ए एक एम्प्लॉई है, उसका बेसिक सैलरी है 1 लाख पर मंथ, ही इज एंटाइटल्ड टू डीएनएस अलाउंस व्हिच इज 40% ऑफ बेसिक सैलरी, तो यहाँ पे वो डीए एंटाइटल करता है, मीन्स डीए उसको अलाउ होगा 40% ऑफ बेसिक सैलरी, मीन्स यहाँ पे डीए के लिए है 1 लाख का 40% मीन्स 40,000 है। ठीक है,
40,000 है पर मंथ है, ठीक है 40,000 है पर मंथ है, क्योंकि 40% ऑफ बेसिक सैलरी। उसके बाद है वो जो डीए 40%, 40,000 का 50% ऑफ डीए फर्म पार्ट ऑफ पे फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मीन्स यहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए 50%। तो जो भी 40,000 का 50% अगर देखें 20,000 हम लेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। बोथ मिस्टर ए एंड हिज एम्प्लॉयर जो कि एबीसी लिमिटेड कंट्रीब्यूट 15% ऑफ बेसिक सैलरी टू द पेंशन स्कीम रेफर्ड टू इन सेक्शन नंबर 80 CCD। तो यहाँ पे बोथ एम्प्लॉय जो कि मिस्टर ए है एंड कंपनी जो कि है एबीसी लिमिटेड, दोनों ही यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं 15% ऑफ बेसिक सैलरी, मीन यहाँ पे बेसिक सैलरी जो भी है उसका 15% वो कंट्रीब्यूट करते हैं इसके लिए फॉर 80 CCD जो कि है एनपीएस को वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। एक्सप्लेन द टैक्स ट्रीटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच कंट्रीब्यूशन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे क्या ट्रीटमेंट होगा मिस्टर ए के हाथ में, मिस्टर ए के हाथ में देखेंगे प्लस एबीसी लिमिटेड के हाथ में देख लेंगे। तो आ जाइए यहाँ पे मेरे सामने क्वेश्चन है, तो आ जाइए नीचे यहाँ पे पहले मिस्टर ए के हाथ में देखेंगे पॉइंट, एबीसी लिमिटेड के हाथ में पहले देखेंगे। तो एबीसी लिमिटेड जो कि एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के हाथ में क्या होगा, एम्प्लॉयर के हाथ में ये क्या होगा, ये मेनली सैलरी हेड में टैक्स हो जाएगा, ठीक है एम्प्लॉयर के हाथ में तो नहीं होगा, ये मेनली एम्प्लॉयर जो भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो ये मेनली इन दी हैंड्स ऑफ ए लिमिटेड ए, ठीक है इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए के हाथ में क्या होगा, मिस्टर ए के हाथ में जो भी एम्प्लॉय है उसके हाथ में ये टैक्सेबल हो जाएगा इन दी हेड्स ऑफ सैलरी, ठीक है इन दी हेड ऑफ सैलरी हेड में वो टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी वो इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर ए इन दी सैलरी हेड में वो टैक्सेबल हो जाएगा। कितना अमाउंट है यहाँ पे, तो अमाउंट पहले देख लेते हैं सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा तो कितना अमाउंट होगा यहाँ पे, तो टोटल ये कंट्रीब्यूट किए हैं 15% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी कितना है 1 लाख पर मंथ है, 1 लाख पर मंथ है तो 12 मंथ के लिए कितना होगा, उसके बाद हम उसका 15% कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 15% अगर देखेंगे 12 लाख का अगर 15% देखेंगे ये है 1,80,000 वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ये सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद 2i पॉइंट में देखेंगे कि ये उसको एक डिडक्शन मिलेगा, ठीक है उसको एक मिस्टर ए जो भी कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पे जो भी कंट्रीब्यूट किया था ये जो 1,80,000 मेनली कंट्रीब्यूट कौन किया था, कंट्रीब्यूट बाय एम्प्लॉयर, ठीक है कंट्रीब्यूट बाय एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड जो भी कंट्रीब्यूशन किया था उसके लिए ये टैक्सेबल हो जाएगा किसके हाथ में, ये जो ये टैक्सेबल हो जाएगा मिस्टर ए के हाथ में, ठीक है एबीसी लिमिटेड के लिए जो भी कंट्रीब्यूट किया था। अभी जो भी मिस्टर ए कंट्रीब्यूट किया ए, मिस्टर ए कंट्रीब्यूटेड जो भी होगा, ठीक है मिस्टर ए कंट्रीब्यूटेड जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो उसके लिए उसको एक डिडक्शन मिलेगा, ठीक है उसको एक डिडक्शन मिलेगा। उसके लिए पहले देखेंगे कितना डिडक्शन मिलेगा, तो वो मेनली कंट्रीब्यूट कितना किया है, तो वो कंट्रीब्यूट कितना किया है पहले देख लेते हैं। तो कंट्रीब्यूट किया है वही 1,80,000 कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि वो जो 12 लाख का आगे देखेंगे वही है 1 लाख मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15%, तो ये मेनली 1,80,000 कंट्रीब्यूट किया है। तो उसका डिडक्शन कितना मिलेगा, तो डिडक्शन के लिए 80 CCD में डिडक्शन मिलेगा, ठीक है डिडक्शन शॉर्ट में हम DED लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 80 CCD सबसेक्शन 1 में उसको एक डिडक्शन मिलेगा, ठीक है उसको एक डिडक्शन मिलेगा, एम्प्लॉय को एक डिडक्शन मिलेगा। तो कितना डिडक्शन मिलेगा, तो उसके लिए हम देखेंगे कि जो भी उसका 10% ऑफ लेंगे सैलरी, ठीक है 10% ऑफ सैलरी लेंगे और उसका एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन विच वेरी लो डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है 10% ऑफ सैलरी और 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, ठीक है एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जो कि है 1,80,000 है, ठीक है ये है 1,80,000 है और ये जो दूसरा 10% ऑफ सैलरी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो 10% ऑफ सैलरी कितना होगा, तो यहां पे अगर देखें यहां पे तो यहां पे 10% ऑफ सैलरी देखेंगे तो सैलरी कैसे कैलकुलेशन करेंगे,
देख लेते हैं यहाँ पे सैलरी कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो सैलरी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे पहले हम लेंगे यहाँ पे उसका बेसिक सैलरी है, तो बेसिक सैलरी है यहाँ पे 1 लाख है। हम मंथली पहले कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे 50,000, ये है 50,000 नहीं है 40,000, 40,000 है उसका 50%, जो भी होगा उसके साथ हम 12 मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम 10% लेंगे, उसके बाद 10% लेंगे, तो ये कितना होगा, ये होगा 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये होगा 1,44,000, 1,44,000 और ये 1,80,000 व्हिच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पे अर्लियर नहीं है व्हिच एवर इज लोअर, जो कि 1,44,000 है, इतना यहाँ पे 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 में रिडक्शन मिलेगा। ठीक है, सबसेक्शन 1 में रिडक्शन मिलेगा, ये है 1,44,000 है। और एक डिडक्शन मिलता है एडिशनल डिडक्शन, जो कि है रिडक्शन अंडर सेक्शन है 80 सीसीडी सबसेक्शन 1B, तो वहां पे 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलता है। ठीक है, 50,000 का एडिशनल डिडक्शन वहां पे मिलता है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे है 50,000 मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा, बट यहाँ पे टोटल वो 1,80,000 कॉन्ट्रीब्यूशन किया था, 1,80,000 कॉन्ट्रीब्यूशन किया था एम्प्लॉई है, उसमें से हम ऑलरेडी 1,44,000 क्लेम कर चुके हैं 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 में, तो बाकी यहाँ पे बचता है कितना है, माइनस 1,44,000, तो यहाँ पे बचता है 36,000 है, तो यहाँ पे वो एलिजिबल होगा, मैक्सिमम 36,000 के लिए वो एलिजिबल होगा, तो यहाँ पे ये डिडक्शन मिलेगा किसको, एम्प्लॉय को। उसके बाद एम्प्लॉयर जो कॉन्ट्रीब्यूट किया था पॉइंट नंबर आई में देखे थे 1,80,000, जो कि टैक्सेबल हुआ था कौन सा हेड में, सैलरी हेड में, उसके लिए एक डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, उसके लिए एक डिडक्शन मिलेगा, तो डिडक्शन कितना मिलेगा, जब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है तो उसके लिए भी एक डिडक्शन मिलता है, जो कि है रिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 80 सीसीडी सबसेक्शन 2, तो सबसेक्शन 2 में एक डिडक्शन मिलता है, तो वो क्या था, वही सेम है 10% ऑफ सैलरी और आपका एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो 10% ऑफ सैलरी अगर देखेंगे 1,44,000 सेम, दोनों ही सेम अमाउंट का कॉन्ट्रीब्यूशन किए थे, तो इसीलिए दोनों का सेम ले लेंगे, और यहाँ पे 1,80,000, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 1,44,000। ठीक है, 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर मींस इलुस्ट्रेशन नंबर 4 यहाँ पे खत्म हुआ है। उसके बाद चलो चलते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 5, तो आ जाइए नेक्स्ट पेज में है, इलुस्ट्रेशन नंबर 5 है, तो यहाँ पे दिया है, तो चलो पढ़ लेते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पे दिया है कि दी ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 है 8 लाख है, तो यहाँ पे जीटीआई दे दिया है 8 लाख है, एंड ही हैज मेड दी फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट एंड पेमेंट ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर 2021-22, मीन्स उसका जीटीआई था 8 लाख, जो कि असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए, उसके बाद वो फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट एंड पेमेंट किया है, जो कि प्रीवियस ईयर 2021-22 के लिए, तो यहाँ पे पर्टिकुलर दे दिया है एंड यहाँ पे रुपीज दे दिया है। तो यहाँ पॉइंट नंबर 1 में दिया है कि कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट किया है पीपीएफ को 1,10,000 का, तो यहाँ पे एटीसी में डिडक्शन उसके लिए मिल जाएगा, एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद और क्या किया है, पॉइंट नंबर 2 में पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी टू आपीजे स्कूल न्यू दिल्ली फॉर एजुकेशन ऑफ हिज सन स्टार्टिंग इन क्लास 11, मीन्स यहाँ पे अगर हम कोई भी पेमेंट करेंगे ट्यूशन फी, तो वहां पे भी डिडक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद और क्या दिया है, थर्ड पॉइंट में रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, तो यहाँ पे भी 25,000 एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे ये तीनों डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद है कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड ऑफ LIC 1,05,000, तो यहाँ पे ये 80CCC में डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कॉम्प्यूट द एलिजिबल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, तो यहाँ पे पहले ये तीनों को 80C में जितना है उसको मिला देते हैं, तो कितना यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये तीनों को अगर मिलाएंगे तो ये होगा 1,10,000 45,000 प्लस 25,000, तो यहाँ पे 1,80,000 का है टोटल, बट यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा 1,50,000 है। ठीक है, 80C में। उसके बाद है यहाँ पे ये 1,05,000 है, तो टोटल अगर करेंगे 2,50,000
55,000 हो रहा है, बट यहाँ पे बता देता हूँ कि एक है 80cc, तो 80cc एक सेक्शन है जो कि बता रहा है कि आपका तीनों सेक्शन जो कि 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD सब सेक्शन 1 में ये तीनों सेक्शन मिलकर मैक्सिमम मिलेगा 1.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे ये तीनों सेक्शन मीन्स यहाँ पे कवर होता है 80C एंड 80CCC दिया है एंड 80CCD सब सेक्शन 1 नहीं दिया है, तो 80C प्लस 80CCD मिलकर मैक्सिमम मिलेगा उसको डिडक्शन 1.5 लाख के, तो वो एलिजिबल होता है कि 2,55,000 के लिए, बट उसको मैक्सिमम 1.5 लाख मिलेगा डिडक्शन एज पर 80CCE के हिसाब से। ठीक है, ये था आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 5। उसके बाद चलो चलते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 6। इलुस्ट्रेशन नंबर 6 है, पेज नंबर 31 को आ जाइए। ये है इलुस्ट्रेशन नंबर 6 है, तो चलो पढ़ लेते हैं इसको। क्या दिया है, मिस्टर ए एज है 40 ईयर्स, तो ए का एज है 40 ईयर्स, पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मीन्स 80D के बारे में यहाँ पे बोला है, 20,000 वो पेड किया है ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 में वो 20,000 का पेमेंट किया है टू इंश्योर हिज लाइफ एज वेल एज हेल्थ ऑफ हिज स्पाउस। मीन्स यहाँ पे वो प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 के लिए वो उनका एज प्लस उनकी जो भी स्पाउस के एज के लिए जो भी लाइफ के लिए वो 20,000 का पेमेंट किया है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ही ऑल्सो पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 47,000 ड्यूरिंग द ईयर टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ हिज फादर एज 63 ईयर्स हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। तो यहाँ पे वो जो भी फादर के एज 63 ईयर है उनके लिए वो 47,000 का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है। मीन्स मेनली सीनियर सिटीजन के लिए वहाँ पे पेरेंट्स के लिए मिल जाता है 50,000 और नॉर्मल जो भी हिमसेल्फ और स्पाउस और चिल्ड्रेन के लिए 25,000 का डिडक्शन मिलता है। उसका और क्या है, ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड 3600 टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ड्यूरिंग द ईयर मीन CGHS स्कीम के लिए वो पेमेंट किया है 3600 है। उसके बाद ही हैज इनकर्ड 3000 इन कैश ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज स्पाउस एंड, तो मेनली ये 3000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कैश में पेमेंट किया है, तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5000 मैक्सिमम आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद 4000 वो चेक ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ हिज फादर, तो फादर के हेल्थ चेकअप के लिए वो 4000 का पेमेंट किया है। तो कंप्यूट दी डिडक्शन अलाउएबल अंडर 80D फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। तो यहाँ पे हम कंप्यूट करेंगे कितना अलाउ होगा, तो यहाँ पे अगर देखेंगे नीचे आ जाइए हमारे पास क्वेश्चन है, तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कितना अलाउ होगा डिडक्शन। तो यहाँ पे वो पहले वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किए, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम MIP शॉर्ट में लिख लेते हैं, 20,000 पेमेंट किए हैं उसके लिए उनके लिए एंड स्पाउस के लिए। उसके बाद वो CGHS स्कीम को वो कंट्रीब्यूट किया है कितना, 3600 कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो हेल्थ चेकअप के लिए भी वो 3000 का पेमेंट किया है, चेकअप के लिए वो 3000 सेल्फ एंड हिमसेल्फ के लिए एंड स्पाउस के लिए वो पेमेंट किया है। तो टोटल अगर देखें यहाँ पे 26,600 है, बट मैक्सिमम मिलेगा 25,000, रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 25,000 है। ठीक है, ये था अगर इसको पॉइंट आई दे देंगे, ये मेनली हिमसेल्फ एंड स्पाउस चिल्ड्रेन के लिए पॉइंट आई है। उसके बाद सेकेंड 2i पॉइंट में हम लिखेंगे जो भी उसका सीनियर सिटीजन के लिए फादर के लिए। ठीक है, सिटीजन ये फादर डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, फादर के लिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा देख लेंगे। तो पहले वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया है कितना, 47,000 है। ठीक है, 47,000 पेमेंट किया है प्लस हेल्थ चेकअप के लिए कितना पेमेंट किया है, हेल्थ चेकअप के लिए पेमेंट किया है 4000 है। ठीक है, 4000 है, तो यहाँ पे टोटल 51,000 है, बट मैक्सिमम रेस्ट्रिक्टेड टू कितना है, 50,000 है। ठीक है, 50,000 है, तो ये दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये टोटल हो रहा है 75,000। ठीक है, 75,000 हो रहा है टोटल 80D में वो डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। ठीक, एलिजिबल है, समझ आ गया। तो ये था आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 6। उसके बाद चलो चलते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 7। इलुस्ट्रेशन नंबर 7 है, तो यहाँ पे है इलुस्ट्रेशन नंबर 7, आ जाइए, इसको हम सॉल्व करेंगे। मिस्टर वाई एज है 40 ईयर्स, मिस्टर वाई का एज है 40 ईयर्स है एंड पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 22,000 ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 टू इंश्योर हिज हेल्थ एज वेल एज हेल्थ ऑफ हिज स्पाउस एंड ऑल्सो डिपेंडेंट चिल्ड्रेन के लिए। तो यहाँ पे वो मिस्टर वाई का एज है 40 ईयर्स है एंड वो इंश्योरेंस प्रीमियम मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 22,000
पेमेंट किया है फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 and 22, किसके लिए? हेल्थ ऑफ हिज हिमसेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, मेनली 22,000 अलाउ हो जाएगा, मैक्सिमम 25,000 तक. He also paid medical insurance premium 33,000 during the year to ensure the health of his mother age 67 years. उसके बाद वो 33,000 पेमेंट किया है फॉर MIP, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, किसके लिए? उनके मदर के लिए, जिनका एज है, जिनके एज है 67 इयर्स, हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, तो वो डिपेंडेंट हो है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है. ही इनकर्ड मेडिकल एक्सपेंडिचर 20,000 ऑन हिज पार्ट एज है 71 इयर, हु इज नॉट कवर्ड अंडर मेडिक्लेम पॉलिसी. तो उसके बाद वो 20,000 का मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है किन के लिए? फादर के लिए 71 इयर्स, जिनके ऊपर वो मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं लिए, तो वहां पे भी 50,000 का मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाएगा. हिज फादर ऑल्सो नॉट डिपेंडेंट ओपन हिम, उससे कोई मतलब नहीं है, डिडक्शन मिल जाएगा. उसके बाद ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 6,000 टू CGHS स्कीम, तो CGHS स्कीम के लिए वो 6,000 पेमेंट किए हैं. तो यहाँ पे हम कंप्यूट करेंगे डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन नंबर 80D. तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे था वैसे ही कंप्यूट करेंगे. तो आ जाइए, पहले हम यहाँ पे पहला पॉइंट में सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रेन के लिए कंप्यूट करेंगे, ठीक है, चिल्ड्रेन के लिए कंप्यूट करेंगे. तो यहाँ पे पहले वो पेमेंट किया है MIP, पेमेंट किया है MIP कितना है, तो MIP यहाँ पे 22,000 है. उसके बाद CGHS स्कीम को वो पेमेंट किया है 6,000 पेमेंट किया है, तो टोटल अगर करेंगे 28,000 है, बट मैक्सिमम अलाउ होगा 25,000, मैक्सिमम अलाउ होगा 25,000. उसके बाद सेकेंड आई पॉइंट में जो भी फादर एंड मदर के लिए कितना खर्चा किया है, फादर एंड मदर के लिए जो कि सीनियर सिटीजन है, तो वहां पे 50,000 का डिडक्शन मिलता है मैक्सिमम. तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितना है, तो यहाँ पे खर्चा किया है कि एक MIP पेमेंट किया है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है जो कि है 33,000 है, और क्या पेमेंट किया है, मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए. तो यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए पेमेंट किया है 20,000 है, तो टोटल अगर देखेंगे 53,000 है, बट मैक्सिमम मिलेगा 50,000 है क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए मैक्सिमम है 50,000. तो अगर टोटल करेंगे यहाँ पे 80D में 75,000 का डिडक्शन मिलेगा, 80D में 75,000 के लिए डिडक्शन मिलेगा. तो ये था आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 7 है. उसके बाद चलो चलते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 8 है. तो आ जाइए इलुस्ट्रेशन नंबर 8 है. ऐसे ही इलुस्ट्रेशन सब है, हम सॉल्व करेंगे सब इलुस्ट्रेशन है. मिस्टर एक्स इज ए रेसिडेंट इंडिविजुअल, तो यहाँ पे मिस्टर एक्स एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है. ही डिपोजिट ए सम 50,000 विथ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एवरी ईयर फॉर मेंटेनेंस ऑफ हिज डिजेबल ग्रैंडफादर हु इज फुल्ली डिपेंडेंट ओपन हिम. तो यहाँ पे मिस्टर एक्स वो एक इंडिविजुअल है एंड वो डिपोजिट कर रहे हैं 50,000 विद LIC एवरी ईयर, किसके लिए? फॉर मेंटेनेंस ऑफ हिज ग्रैंडफादर हु इज फुल्ली डिपेंडेंट ओपन हिम. डिजेबिलिटी इज वन विच कम्स अंडर द पर्सन विद डिजेबिलिटी, मीन्स वो कवर हो जाता है डिजेबिलिटी में, जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट, इसको आप याद नहीं रखना है, 1995. ए कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट फ्रॉम द मेडिकल अथॉरिटी सबमिटेड, हाँ ठीक है, वो सब अलाउ जो भी होता है उसके लिए कंडीशन होता है. कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर 80DD फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23. तो मैं आपको बता देता हूँ 80DD में आपका डिपेंडेंट डिजेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है. यहाँ पे तो डिजेबिलिटी बोल दिया है कि हाँ वो प्रोटेक्शन एक्ट में कवर हो जाता है एंड वो अथॉरिटी से सर्टिफिकेट भी सबमिट किया है, बट यहाँ पे डिपेंडेंट में वो नहीं आएंगे ग्रैंडफादर, ठीक है. ग्रैंडफादर यहाँ पे डिपेंडेंट में नहीं आते हैं, डिपेंडेंट में आपका ब्रदर सिस्टर आ जाएंगे डिपेंडेंट वाला, एंड आपका पेरेंट्स आ जाएंगे, चिल्ड्रन आ जाएंगे, स्पाउस हिमसेल्फ आ जाएंगे, बट यहाँ पे ग्रैंडफादर वो नहीं आएंगे, आपका यहाँ पे डिपेंडेंट में नहीं आएगा. तो इसलिए 80DD में डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा 80DD में, समझ आ गया. अगर यहाँ पे पेरेंट्स होते या आपका चिल्ड्रेंस होते या ब्रदर सिस्टर अगर डिपेंडेंट होते तो वहां पे डिडक्शन मिल जाता है 80DD में, ठीक है, यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा. उसके बाद नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन नंबर 9 चलते हैं. व्हाट विल बी डिडक्शन इफ मिस्टर एक्स हैज मेड द डिपॉजिट फॉर हिज डिपेंडेंट फादर. तो यहाँ पे अगर डिपेंडेंट फादर हो जाएंगे ग्रैंड फादर के बदले तो वहां पे डिडक्शन मिल जाएगा 80DD में. तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा 75,000, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में 75,000 मिलेगा. अगर वो सीवियर डिजेबिलिटी, मीन्स वहां पे डिजेबिलिटी का परसेंटेज 80% से अगर ज्यादा होगा
तो उसको बोलते हैं सिवियर डिजेबिलिटी, तो वहां पे 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, वही यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, ये था आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 9। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन, इलुस्ट्रेशन नंबर 10 है, पेज नंबर 37 है, आ जाइए इलुस्ट्रेशन नंबर 10 है। तो यहाँ पे इलुस्ट्रेशन नंबर 10 क्या दिया है, मिस्टर बी हैज टेकन 3 एजुकेशन लोन्स ऑन April 1, 2021। तो यहाँ पे मिस्टर बी वो टेकन किए हैं 3 एजुकेशन लोन, कब वो लिए थे, 1 अप्रैल 2021 में, द डिटेल्स ऑफ व्हिच आर गिवन बिलो। तो उसका डिटेल्स भी यहाँ पे गिवन बिलो दिया है। तो लोन नंबर 1 है, लोन नंबर 2 है एंड लोन नंबर 3 है। तो पहले है फॉर हुज एजुकेशन लोन हुआ, सेकंड किसके लिए वो एजुकेशन लोन लिए थे, तो पहला बी के लिए मींस खुद के लिए, सेल्फ के लिए लिए थे। उसके बाद सन ऑफ बी मींस उनके सन के लिए लिए थे। उसके बाद लोन नंबर 3 डॉटर ऑफ बी मींस उनके डॉटर के लिए लिए थे। पर्पज ऑफ लोन क्या था, उनके लिए एमबीए कर रहे थे उसके लिए लोन लिए थे, उनका जो भी सन बीएससी कर रहा था तो उसके लिए लिए थे। उसके बाद उनकी जो डॉटर है वो बीए कर रही थी उसके लिए वो लोन लिए थे। उसके बाद अमाउंट ऑफ लोन का अमाउंट कितना था, 5 लाख, 2 लाख एंड 4 लाख है। उसके बाद एनुअल रिपेमेंट ऑफ लोन मीन्स इंस्टॉलमेंट कितना एनुअली देते थे, 1 लाख देते थे, यहाँ पे 40,000 देते थे एंड 80,000 देते थे। उसके बाद एनुअल रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना रिपेमेंट कर रहे थे, तो यहाँ पे 20,000 खुद के लिए, 10,000 सॉन के लिए एंड यहाँ पे 18,000 डॉटर के लिए है। तो यहाँ पे कंप्यूट करेंगे कि अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 80E फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। तो 80E में मेनली अगर एजुकेशनल लोन के लिए लेते हैं तो वहां पे मैक्सिमम 8 साल के लिए आपको इंटरेस्ट जो भी पेमेंट करेंगे डिडक्शन मिल जाएगा। एंड आप लोन किसके लिए ले सकते हैं, कोई भी एजुकेशन के लिए, बट वो आफ्टर जी सेकेंडरी हायर एजुकेशन मीन्स प्लस टू के बाद जो भी पढ़ाई उसके लिए अगर आप लोन लेंगे तो उसके लिए डिडक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड लोन किसके लिए ले सकते हैं, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रेन एंड अगर किसका आप गार्डियन आज काम कर रहे हैं तो वहां पे भी आप लोन ले सकते हैं उसके बिहाफ पे। तो यहाँ पे सॉन एंड डॉटर के लिए ले रहे हैं मीन्स चिल्ड्रेन के लिए, तो यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा और एक खुद के लिए लिए थे। एंड यहाँ पे बी ए एम बी ए बी एस सी ये आपका मेनली हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आ जाता है, तो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा। तो डिडक्शन कितना मिलेगा 80E में, तो ये तीनों इंटरेस्ट एलिजिबल हो जाएगा। तो तीनों इंटरेस्ट क्या क्या है, 20,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000 जो कि है 48,000 के लिए यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, 48,000 के लिए डिडक्शन मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है बट ये जिसे स्ट्रक्चर में पूछा है आपको लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट नहीं है, दो लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। बट अगर उसको आप प्रोविजन को ज्यादा लिखना चाहोगे तो वहां पे लिख सकते हैं, बट एग्जामिनर आपको वो प्रोविजन अगर ज्यादा देखा होगा भी तो भी मार्क जितना है उतना मिलेगा, आप अगर दो लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा नोट्स में है। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन है, इलुस्ट्रेशन नंबर 11 है, पेज है 39। तो यहाँ पे इलुस्ट्रेशन नंबर 11 क्या दिया है, मिस्टर ए परचेज ए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मिस्टर ए वो परचेज कर रहे हैं एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन एट ए कॉस्ट ऑफ 45 लाख है ऑन 1 अप्रैल 2017। मींस यहाँ पे 80EE का डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 के बाद अगर लेंगे तो वहां पे डिडक्शन मेनली आपका 80EE में मिलता है, बट यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 है तो इसलिए 80EE में डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, 80EE में यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। तो चलो उसके बाद क्या दिया है, एंड 45 लाख है वो हाउस का जो भी वैल्यू है, इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच ये एक लोन लिए हाउसिंग लोन 35 लाख फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया मीन्स बैंक से लिए हैं एट द रेट ऑफ 11% पर एनम इंटरेस्ट में ऑन द सेम डेट, सेम डेट जिस दिन वो हाउस परचेस किए उसी दिन वो एक लोन लिए है। एंड द लोन वाज सैंक्शन ऑन 28 मार्च 2017 मीन्स यहाँ पे वो सैंक्शन हो गया था पहले ही आपका जो भी ईयर से पहले दो दिन पहले। उसके बाद कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अज्यूमिंग दैट द एंटायर लोन वाज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2022 एंड ही डज नॉट ओन एनी हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप कमेंटली 80EE में जो भी डिडक्शन देखेंगे और एक है आपका इसमें मिलता है हाउस प्रॉपर्टी में एक डिडक्शन मिलता है 24 सेक्शन में सबसेक्शन बी में एक एग्जेम्पशन डिडक्शन मिलता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बोला है। ठीक है, वो दोनों का यहाँ पे लिंक होके डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो 80EE में जो भी कंडीशन है वो सब सेटिस्फाई कर लिया है तो कितना है यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा, तो उसके लिए पहले हम कैलकुलेशन करेंगे एक्चुअल इंटरेस्ट कितना है। तो इंटरेस्ट कितना है पहले कैलकुलेशन करेंगे, तो इंटरेस्ट कितना होगा यहाँ पे टोटल लोन है यहाँ पे 35 लाख है, 35 लाख का यहाँ पे 11% कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि वो सैंक्शन पहले से हो गया था, तो 11% अगर देखेंगे 35 लाख का तो ये होगा 3,85,000 होगा। ठीक है, ये है इंटरेस्ट का अमाउंट। तो पहले हम क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में देखेंगे
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक इंटरेस्ट के लिए डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग के लिए, तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी में मैक्सिमम वहां पे डिडक्शन मिलता है अगर सेल्फ ऑक्यूपेशन हो तो वहां पे कितना डिडक्शन मिलेगा, तो वहां पे डिडक्शन मिलता है यहाँ पे 2 लाख का एक डिडक्शन मिलता है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट है 3,85,000 बट मैक्सिमम मिलेगा कितना 2 लाख है, ठीक है, और जो भी बैलेंस रहेगा तो वो डिडक्शन मिल जाएगा कहाँ पे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE में डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, 80EE में डिडक्शन मिल जाएगा, तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पे अवेलेबल तो है, अवेलेबल है 1,85,000, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो टोटल था 3,85,000 इंटरेस्ट का अमाउंट, उसमें से 2 लाख ऑलरेडी हम क्लेम कर चुके हैं, तो बैलेंस यहाँ पे कितना बच रहा है, तो बैलेंस अगर देखेंगे यहाँ पे 1,85,000 बच रहा है, बट मैक्सिमम मिलेगा यहाँ पे 50,000, ठीक है, 50,000 यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा, समझ आ गया, सिंपल था, कोई भी यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं था, उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में, पेज नंबर 42 को आ जाइए, तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 12, तो चलो इसको पढ़ लेते हैं, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी, एंड वो सब सैलराइज इंडिविजुअल है फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, तो यहाँ पे हम मेनली पर्टिकुलर्स कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है मिस्टर ए बी सी डी का, तो क्या क्या दिया है, पहले पर्टिकुलर दे दिया मिस्टर ए का, मिस्टर बी का, मिस्टर सी का एंड मिस्टर डी का है, तो पहला है अमाउंट ऑफ लोन दे दिया है, टेकन 43 लाख है, 45 लाख है, 20 लाख है, 15 लाख, ये सब लोन टेकन किए हैं मिस्टर ए बी सी डी, उसमें लोन कहाँ से लिए हैं, तो लोन मेनली HFC हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लिए हैं, एंड डिपॉजिट टेकिंग NBFC, तो यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि NBFC से अगर डिडक्शन मीन्स अगर लोन लेंगे तो वहां पे डिडक्शन नहीं मिलेगा 80EE में, उसके बाद डिपॉजिट टेकिंग NBFC, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अगर लेंगे EEB में डिडक्शन मिलेगा, बट अगर आप लेते हैं किसके लिए, आप अगर लेते हैं हाउसिंग प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए तो वहां पे डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसके बाद पब्लिक सेक्टर, उसके बाद डेट ऑफ सैक्शन ऑफ लोन, तो लोन कब सैक्शन हुआ है, 5 अप्रैल 2021 ए के लिए, बी के लिए 5 अप्रैल 2020, सी के लिए 5 अप्रैल 2020, डी के लिए 30 मार्च 2019 है, तो फिर डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन, तो कब लोन एक्चुअली प्रोवाइड हुआ था, तो यहाँ पे 1 मई 2021 ए के लिए, 1 मई 2020 बी के लिए, 1 मई 2020 सी के लिए, 1 मई 2019 है डी के लिए, तो यहाँ पे डेट ऑफ डिसबर्समेंट डेट इम्पोर्टेंट क्यों है, ये मेनली हम इंटरेस्ट यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए, बट सेक्शन मीन्स ये डिडक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, मीन्स ये अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो इसके लिए ये वाला डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन देखेंगे, ठीक है, मेनली कैलकुलेशन के लिए इसको देखेंगे एंड सैंक्शन ऑफ लोन देखेंगे हम मेनली अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा सेक्शन, ठीक है, उसका पर्पज ऑफ लोन क्या है, पहला है एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मीन्स यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपेशन 80EE या EE देखेंगे, तो यहाँ पे मेनली 80EE के बारे में बोला है, EEE के बारे में बोला है, उसका एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मीन्स यहाँ पे EEE के बारे में पूछा है, EEE के बारे में नहीं पूछा है क्योंकि वहां पे हम 2017 से पहले होना चाहिए, उसके बाद परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मीन्स EEB के बारे में पूछा है फॉर पर्सनल यूज, एंड यहाँ पे परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर पर्सनल यूज वही EEB के बारे में पूछा है, एंड यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पूछ लिया है 45 लाख है, ये 48 लाख नहीं मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम 45 लाख अगर होगा तो वहां पे मिलेगा, तो यहाँ पे 80EE नहीं मिलेगा, तो 80EE यहाँ पे नहीं मिलेगा, एक तो वो NBFC से लिया था एंड दूसरा है यहाँ पे 45 लाख से ज्यादा है, तो इसलिए हम दो कंडीशन अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लगेगा, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल तो ये वाला पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल देख लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यहाँ पे कितना है, 22 लाख है सी के लिए एंड 18 लाख है डी के लिए, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, 9%, 10%, 10% पर एनम, ये सब दे दिया है, तो उसके बाद क्या दिया है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, तो यहाँ पे कंप्यूट करेंगे अमाउंट ऑफ डिडक्शन इफ एनी अलाउएबल अंडर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए बी सी डी के लिए, अज्यूम दैट देयर इज नो प्रिंसिपल रिपेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अबव लोन्स अप टू 31 मार्च 2022, मींस यहाँ पे कोई भी रिपेमेंट नहीं किया है, अगर रिपेमेंट कर देता तो जो भी बैलेंस अमाउंट था उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है, बट यहाँ पे कोई भी रिपेमेंट नहीं किया है, तो जो भी अमाउंट लोन है 45 लाख या 48 लाख उसके ऊपर कैलकुलेशन होगा, ठीक है, तो चलो हम नीचे यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, ए से शुरू करेंगे, ठीक है, मिस्टर ए से शुरू करेंगे, यहाँ पे दो सेक्शन में मेनली पहले दो पॉइंट के लिए ए बी के लिए दो सेक्शन में यहाँ पे मिल सकता है, बट सी डी के लिए एक ही हेड में मिलेगा, ठीक है, तो पहले ए के लिए देखते हैं, तो ए के लिए पहले देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी में कितना मिलेगा, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो पहले हम देख लेते हैं कितना इंटरेस्ट है,
तो इंटरेस्ट अमाउंट अगर देखेंगे यहाँ पे लोन लिया था 43 लाख का है, ठीक है, 43 लाख का ही लोन लिया था एंड यहाँ पे 9% है उसका इंटरेस्ट एंड वो डिस्पर्समेंट कब हुआ था, मई मंथ में हुआ था। तो यहाँ पे अगर देखें 11 मंथ के लिए कैलकुलेशन करेंगे बाय 12 कर लेंगे तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, 43 लाख मल्टीप्लाई हो जाएगा 9% मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 12, तो ये होगा टोटल इंटरेस्ट है 3,54,750 रुपीज है। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कितना मिलेगा, तो सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन बी में मैक्सिमम यहाँ पे मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे 2 लाख का मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, डिडक्शन मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE में कितना मिलेगा, तो उसके लिए मैक्सिमम मिलेगा यहाँ पे 1.5 लाख का मिलेगा, ठीक है, 1.5 लाख का मिलेगा। हाँ कितना देख लेते हैं, 3,54,750 रुपीज से अगर हम 2 लाख रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे बचता है 1,54,750 रुपीज बचता है, बट मैक्सिमम मिलेगा 1.5 लाख, ठीक है। तो ये था मिस्टर ए के लिए। उसके बाद मिस्टर बी के लिए चलते हैं, तो मिस्टर बी के लिए देख लेते हैं मिस्टर बी के लिए कितना मिलेगा। तो बी के लिए पहले कितना वो लोन लिया था, तो लोन अगर देखेंगे यहाँ पे टोटल वो लोन यहाँ पे 45 लाख के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, 45 लाख के ऊपर यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो वो 45 लाख का लोन लिया है, तो 45 लाख मल्टीप्लाई हो जाएगा 9% डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि 5 अप्रैल से पहले वो लोन उसको डिस्पर्समेंट हो गया था, तो इसलिए डायरेक्ट 45 लाख के ऊपर 9% कैलकुलेशन करेंगे जो कि है 4,05,000 है। एंड यहाँ पे आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कितना मिलेगा, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 4,05,000 है बट मैक्सिमम मिलता है वहां पे 24 सबसेक्शन बी में मिलता है 2 लाख का डिडक्शन, ठीक। उसके बाद यहाँ पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक है पहला वो एनबीएफसी से ले रहा है, नहीं मिलेगा। दूसरा है कि वो जो भी उसका लोन का अमाउंट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यू वो 45 लाख से ज्यादा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद मिस्टर सी के लिए देखेंगे, तो मिस्टर सी के लिए यहाँ पे मेनली इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए EE में डिडक्शन मेनली मिलेगा। तो यहाँ पे अमाउंट कितना है, अमाउंट है यहाँ पे आपका 20 लाख है एंड डिस्पर्समेंट भी पहले से वो ले लिया था, उसका 10% अगर देखेंगे तो वो है 2 लाख है बट मैक्सिमम उसको 1.5 लाख मिलेगा, 80EE में मैक्सिमम मिलेगा 1.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। ये था मिस्टर सी के लिए। उसके बाद है मिस्टर डी के लिए, मिस्टर डी के लिए देखेंगे, तो मिस्टर डी के लिए यहाँ पे नहीं मिलेगा लोन, क्योंकि वो सैंक्शन हुआ था 5 अप्रैल 2019 से पहले, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा, नील हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो 5 अप्रैल 2019 से पहले यहाँ पे वो लोन उसको सैंक्शन हुआ था। तो कब लोन सैंक्शन हुआ था, 30 मार्च 2019, जो कि 5 अप्रैल 2019 से पहले सैंक्शन हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो चलो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन है आपका, इलुस्ट्रेशन नंबर 13 है, पेज है आपका 48। तो आ जाइए यहाँ पे है, यह है इलुस्ट्रेशन नंबर 13 है। तो क्या दिया है, मिस्टर शिबा एज है 58 ईयर्स, तो मिस्टर शिबा का एज है 58 ईयर्स, आज ग्रॉस टोटल इनकम है 7,75,000 है एंड कंप्राइजिंग ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी हाउस प्रॉपर्टी, तो उसमें सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है एंड ही हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, तो ये फॉलोइंग पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट किया है। तो पहला है वो प्रीमियम पेड किया है टू इंश्योर लाइफ ऑफ हिज मेजर डॉटर पॉलिसी टेकन ऑन 5 अप्रैल 2018, मीन्स यहाँ पे 10% मिलेगा, 10% मिलेगा ऑफ सम एश्योर्ड जो कि 1,80,000 है और प्रीमियम पेड है 20 लाख, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, तो इसका 10% अगर देखेंगे 10% कितना होगा, तो ये होगा 18,000 और 20,000, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, इसी वजह से लोअर 18,000 का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, 18,000 का डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ 12,000 एंड स्पाउस के लिए 14,000, तो यहाँ पे दोनों को अगर मिलाएंगे टोटल 26,000 है बट मैक्सिमम मिलेगा
25,000 है, ठीक है, मैक्सिमम मिलेगा एटीडी में 25,000 सेल्फ एंड स्पाउस चिल्ड्रेन के लिए। उसके बाद डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 50,000 बाय चेक, मीन्स यहाँ पे 80G के बारे में बोला है, तो ये पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आएगा तो ये आ जाएगा आपका सीलिंग लिमिट वाला आ जाएगा, ठीक है, सीलिंग लिमिट वाला आएगा प्लस 50% सीलिंग लिमिट वाला आएगा, ठीक है, यहाँ पे सीलिंग लिमिट मीन्स रेस्ट्रिक्शन वाला आएगा प्लस 50% वाला आएगा। उसके बाद यहाँ पे एलआईसी पेंशन फंड तो 60,000 ये 80CCC में मिल जाएगा, ठीक है, 80CCC में मिल जाएगा। उसके बाद है डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रेन फंड 25,000 बाय वे ऑफ चेक, तो यहाँ पे चिल्ड्रेंस नेशनल चिल्ड्रेन फंड मीन्स यहाँ पे 100% मिल जाएगा, कोई भी सीलिंग लिमिट नहीं है, डायरेक्ट 100% मिल जाएगा, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। उसके बाद डोनेशन टू जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड 25,000 बाय वे ऑफ चेक, तो यहाँ पे 50% मिल जाएगा, बट कोई भी सीलिंग लिमिट नहीं है, ठीक है, सीलिंग लिमिट कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 50% मिल जाएगा जो भी 25,000 का। उसके बाद डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग 40,000 है बाय वे ऑफ चेक, मीन्स यहाँ पे आपका 100% वाला मिल जाएगा बट सीलिंग लिमिट वाला मिलेगा, ठीक है, सीलिंग लिमिट मीन्स आपका जो भी एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं वो जो आपका फैमिली प्लानिंग के लिए या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए, और आपका 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम और आपका जो भी यहाँ पे प्रीमियम, प्रीमियम नहीं है, जो भी डोनेशन फीसिबिलिटी लोन उतना मिलेगा, ठीक है। उसके बाद डिपोजिट टू पीपीएफ, तो यहाँ पे एटीसी में मिल जाएगा 1,00,000, ठीक है, डिपोजिट टू पीपीएफ यहाँ पे एटीसी में 1,00,000 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलो कंप्यूट करेंगे टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शिवा 2022-23, तो यहाँ पे मेनली 80G के बारे में बोला है, तो चलो हम नीचे यहाँ पे कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है, मेरे सामने क्वेश्चन है तो नीचे आ जाइए कंप्यूट कर लेंगे। तो पहले जीटीआई कितना दिया है, जीटीआई दिया है यहाँ पे 7,75,000 है, ठीक है। उसके बाद डिडक्शन करेंगे 80C में, शॉर्ट में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 80C में अगर देखेंगे पहला तो पीपीएफ में जो भी हम डिपोजिट किए हैं पीपीएफ में है 1,00,000 है। उसके बाद है हम और क्या किए हैं, एलआईसी के लिए एक पेमेंट किए हैं जो भी 18,000 हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं, वो जो अलाउ हो जाएगा एटीसी में, ठीक है। उसके बाद और क्या है, तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, टोटल हो जाएगा 1,18,000 है। उसके बाद CCC में और एक है 80CCC में जो भी हम पेंशन फंड को पेमेंट किए थे कितना है, यहाँ पे 60,000 है, ठीक है, 60,000 है, तो टोटल कितना हो रहा है 1,78,000, बट मैक्सिमम यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा 1,50,000 डिडक्शन मिलता है, ठीक है, 1,50,000। उसके बाद 80D में एक है 25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा 80D में, जो भी हम सेल्फ एंड स्पाउस के लिए 26 खर्चा किए थे, बट मैक्सिमम 25,000 मिल जाएगा, ठीक है। और क्या है डिडक्शन, और कुछ डिडक्शन है क्या, नहीं है। उसके बाद 80G, तो 80G में कितना डिडक्शन मिलेगा, तो उसके लिए चलो हम नीचे कैलकुलेशन करते हैं, तो 80G में अगर देखेंगे तो 80G में कितना, नोट में यहाँ पे 80G में कितना मिलेगा यहाँ पे, तो 80G में डिडक्शन मिलेगा पहले आपका जो भी कंट्रीब्यूशन किए थे, कहाँ पे, जो भी आपका कंट्रीब्यूशन पहले किए थे चिल्ड्रेंस, चिल्ड्रेंस फंड, नेशनल चिल्ड्रेंस फंड को जो भी किए थे, तो वहां पे 100% मिल जाएगा। तो कितना कंट्रीब्यूशन किए थे, तो कंट्रीब्यूशन किए थे 25,000, तो यहाँ पे 25,000 पूरा मिल जाएगा। उसके बाद हम जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट JHMT, तो JNMT को जो भी किए थे कितना किए थे, 25,000 किए थे, उसका 50% मिल जाएगा, ठीक है, उसका 50% मिल जाएगा यहाँ पे, तो 50% कितना होगा 12,500 है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद हम सीलिंग लिमिट वाला देखेंगे, तो सीलिंग लिमिट वाला में दो पॉइंट है, एक है फैमिली प्लानिंग और दूसरा पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पे फैमिली प्लानिंग यहाँ पे 100% मिल जाएगा सीलिंग लिमिट वाला है, 100% है, दूसरा है आपका कौन सा है यहाँ पे, दूसरा है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट PCT, यहाँ पे 50% वाला देखेंगे। तो उससे पहले हम पहले एडजस्टेड टोटल इनकम देखेंगे, तो एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है, तो एडजस्टेड टोटल इनकम है ATI, तो ATI है जो भी आपका GTI है, GTI से जो भी सब डिडक्शन सब लेस कर देंगे, डिडक्शन ओनली ये ATG को छोड़कर जो भी सब डिडक्शन लेस कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल था ATI 7,75,000 था, उसमें से हम डिडक्ट कर लेंगे, एक है 1,50,000 है ये जो डिडक्शन को छोड़कर और जो भी सब डिडक्शन लेस कर देंगे, और एक है 25,000 है, तो डिडक्शन करने के बाद ये बच रहा है 6,00,000, तो यहाँ पे सेलिंग लिमिट कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो सेलिंग लिमिट है 10% ऑफ ATI, 10% ऑफ ATI जो कि है 60,000, ठीक है, 60,000 है सीलिंग लिमिट, तो 60,000 सीलिंग लिमिट हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो 60,000 से हम पहले ये फैमिली प्लानिंग वाला 100% ले लेंगे, तो फैमिली प्लानिंग वाला है 40,000 पूरा 100% ले लेंगे, एंड यहाँ पे बाकी बचता है कितना है
तो इसमें से हम अगर 40,000 डिडक्ट करेंगे तो यहाँ पे बाकी बचता है 20,000। तो 20,000 और आपका यहाँ पे कितना एक्चुअल यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, और 50,000 विच इज लोअर, 50,000 विच इज लोअर। तो लोअर है यहाँ पे 20,000 वाला है, लोअर है। एंड यहाँ पे भी हम 20,000 नहीं लेंगे, उसका 50% लेंगे। तो 20,000 का 50% है आपका 10,000, ठीक है। तो ऐसे ही कैलकुलेशन होता है, अगर आप हमारा रिविजन क्लास देखेंगे तो वहां पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना 80G में डिडक्शन मिलेगा, चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 12,500 प्लस 50,000, तो टोटल यहाँ पे 87,500 यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा 80G में, ठीक है। 80G में टोटल मिलेगा 87,500 है, ठीक है। तो ऐसे ही कैलकुलेशन होता है 87,500, तो इसको डिडक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा आपका NTI, ठीक है। तो ये था आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 13 है, उसके बाद चलो चलते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 14। ये थोड़ा टाइम लगेगा, क्या करेंगे इसको समझना पड़ेगा। उसके बाद चलो इलुस्ट्रेशन नंबर 14 को आ जाइए। तो यहाँ पे पूछा है कि मिस्टर गॉनेस एक बिजनेसमैन, मिस्टर गॉनेस एक बिजनेसमैन है हुज टोटल इनकम बिफोर अलाउइंग डिडक्शन अंडर 80G, तो 80G से पहले उसका टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 कितना है, 4,60,000। मींस यहाँ पे वो आपका किसके बारे में बता दिया है, ATI के बारे में बता दिया है। बिफोर 80G मीन्स ये ATI के बारे में बता दिया, एडजस्टेड टोटल इनकम के बारे में बता दिया है। एंड वो हाउस रेंट पेड किया है 12,000 पर मंथ, ठीक है। हाउस रेंट पेमेंट किया है 12,000 पर मंथ है इन रेस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय हिम इन मुंबई, तो उसे कोई मतलब नहीं है, वो मुंबई में एक रेसिडेंशियल अकोमोडेशन लिया था। एंड कंप्यूट द डिडक्शन अलाउबल टू हिम अंडर सेक्शन 80G, तो 80G में डिडक्शन मिलता है, तो वहां पे डिडक्शन कितना मिलेगा, पहला है आपका जो भी आपका क्या होगा, जो आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ ATI, दूसरा है 25% ऑफ ATI, तीसरा है 5,000 पर मंथ मीन 60,000, ठीक है। तो चलो फिचेबली लोड उतना डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, उतना डिडक्शन मिलेगा। तो डिडक्शन पूछा है, तो डिडक्शन के लिए 3 अमाउंट है फिचेबली लोड। तो पहला है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ ATI, तो ये कितना होगा, रेंट पेड कितना है, तो रेंट पेड अगर देखें 12,000 पर मंथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 1,44,000 पर ईयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,44,000। उसके बाद 10% ऑफ ATI, तो 10% ऑफ ATI मीन्स यहाँ पे ATI है 4,60,000 ऑलरेडी बता दिया है, तो कितना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, माइनस 46,000। तो ये होगा पहला वाला होगा 98,000 है, ठीक है, पहला वाला होगा 98,000। दूसरा पॉइंट चलते हैं, तो दूसरा पॉइंट में है 25% ऑफ ATI, तो ATI 4,60,000 उसका 25%, तो कितना होगा यहाँ पे 4,60,000 मल्टीप्लाई होगा 25%, तो ये होगा 1,15,000 है। एंड तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, तीसरा वाला लिमिट है 5,000 पर मंथ है, तो टोटल 60,000 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे अगर 12, तो लोअर वाला कौन सा होगा, तो व्हिच एवर इज लोअर, तो लोअर वाला होगा ये 60,000। तो यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा कितना, 80G में डिडक्शन मिलेगा 60,000 है, ठीक है, समझ आ गया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चलो चलते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 15 है, वो आ जाइए इलुस्ट्रेशन नंबर 15 है। इलुस्ट्रेशन नंबर 15 है यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे दिया है देख लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 एबीसी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 एबीसी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी, वो पहले कंट्रीब्यूट किया है ए सम 2 लाख टू एन इलेक्ट्रॉयल ट्रस्ट, तो वो पहले कंट्रीब्यूट किया है 2 लाख टू एन इलेक्ट्रॉयल ट्रस्ट को। एंड इनकॉर्ड एक्सपेंडिचर 25,000 ऑन एडवर्टाइजमेंट इन ए ब्रोचर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, तो यहाँ पे दो चीज किया है, पहले 2 लाख वो इलेक्ट्रॉयल ट्रस्ट को कंट्रीब्यूट किया था, दूसरा है इनकॉर्ड एक्सपेंडिचर फॉर एडवर्टाइजमेंट इन ब्रोचर टू ए पॉलिटिकल पार्टी 25,000 एक्सपेंडिचर किया था। इज द कंपनी एलिजिबल फॉर डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सच कंट्रीब्यूशन और एक्सपेंडिचर अज्यूमिंग दैट द कंट्रीब्यूशन वाज मेड इन चेक, अज्यूम कर रहे हैं कि वो जो कंट्रीब्यूशन चेक में हुआ है वो अलाउ हो जाएगा। इफ सो व्हाट इज द क्वांटम ऑफ डिडक्शन, तो यहाँ पे कितना क्वांटम ऑफ डिडक्शन, तो मेनली यहाँ पे कंपनी अगर कंट्रीब्यूशन करेगा 80 GGB में मिलेगा, अगर वहां पे अदर देन कंपनी तो 80 GGC में,
तो यहाँ पे 80 जीजी बी में डिडक्शन मिलेगा, जीजी बी में यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा कितना मिलेगा, ये जो 2 लाख प्लस 25,000 के लिए भी डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि अदर देन कैश में यहाँ पे किया है। और एक बात बता देता हूँ कि ये जो 25,000 ये मेनली पीजीबीपी में अलाउ नहीं होगा, ठीक है, ये पीजीबीपी में अलाउ नहीं होगा, पीजीबीपी में डिसअलाउ हो जाएगा, बट डिसअलाउ इन पीजीबीपी, बट यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, डिसअलाउ इन पीजीबीपी बट यहाँ पे अलाउ हो जाएगा 80 जीजीबी में, ठीक है। ये था आपका इलुस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, इलुस्ट्रेशन नंबर 15 है। उसके बाद चलो चलते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 16 को, इलुस्ट्रेशन नंबर 16 को चलते हैं। तो ये है इलुस्ट्रेशन नंबर 16। मिस्टर ए हैज कमेंस द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर्स ऑन 5 अप्रैल 2021। तो यहाँ पे मिस्टर ए वो कमेंस कर रहा है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरर फॉर द कंप्यूटर 5 अप्रैल 2021 में। ही एम्प्लॉयड, वो एम्प्लॉय कर रहा है 350 न्यू एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 2022। द डिटेल्स ऑफ होम आर एज फॉलोज। तो वो 350 न्यू एम्प्लॉयज अपॉइंट किया है एंड वो उसका डिटेल्स दिया है, ठीक है, फॉलो में डिटेल्स दिया है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे दिया है, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स कब एम्प्लॉयमेंट किया था, एंड रेगुलर या कैजुअल दे दिया है, एंड तीसरा टोटल मंथली इमोलुमेंट्स मीन्स सैलरी कितना दिया है एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे आई में दिया है 75 एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड किया है 5 अप्रैल 2021 में, रेगुलर एम्प्लॉय है 24,000 है। उसके बाद सेकंड आई में 125 एम्प्लॉयज अपॉइंट किया है 5 मई 2021 में, रेगुलर है 26,000 है इमोलुमेंट्स। उसके बाद थर्ड में 50 एम्प्लॉयज एडिशन किया है 1 अगस्त 2021 में है, एंड ये सब कैजुअल एम्प्लॉयज है एंड वो 24,500 सैलरी है। एंड फोर्थ पॉइंट में 100 एम्प्लॉयज है 1 सितंबर 2021 में अपॉइंट किया है, रेगुलर है एंड 24,000 इमोलुमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद द रेगुलर एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट इन आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड व्हाइल द कैजुअल एम्प्लॉयज डू नॉट पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि पहले बता देता हूँ उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे एक डिडक्शन मिलता है 80 डबल जे डबल ए। तो वहाँ पे डिडक्शन क्या मिलता है आपका 30% मिल जाता है जितना एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है। वो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है, जो भी आप सैलरी देते हैं एडिशनल एम्प्लॉय के लिए, एडिशनल एम्प्लॉय के लिए जो भी सैलरी देते हैं। एडिशनल एम्प्लॉय में आपका अगर नया एम्प्लॉय होना चाहिए, अगर पुराना बिजनेस को आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो वहां पे नहीं चलेगा। उसके बाद ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, जिसका ऑडिट होता है मीन कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। उसके बाद है यहाँ पे कंडीशन क्या है, उसका जो भी इमोलुमेंट है मीन सैलरी है 25,000 से कम होना चाहिए। उसके बाद वो पार्टिसिपेट करना चाहिए किसमें, आपका आरपीएफ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे वो एक साल में 240 डेज से ज्यादा काम करना पड़ेगा उसको। एंड लेदर एंड फुटवेयर बिजनेस में वहां पे अगर 150 डेज से अगर ज्यादा वो काम किया है तो भी उसको ये डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये कुछ कंडीशन था, उसको अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। जो भी एडिशनल एम्प्लॉय का उसका 30% डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूट करेंगे कि डिडक्शन इफ एनी अवेलेबल टू मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 इफ द पीजीबीपी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर दैट ईयर इज 75 लाख है एंड हिज टर्नओवर है 10.16 करोड़ है। मीन्स यहाँ पे उसका जो भी टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, मीन्स उसका ऑडिट होता है। तो ऑडिट अगर होगा ये डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ऑडिट अगर होगा उसका ये डिडक्शन मिल जाएगा, ऑडिट होना चाहिए कंडीशन में, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं टोटल 350 एम्प्लॉयज अपॉइंट किया है उसमें से किसको मिलेगा। तो पहले तो यहाँ पे 75 एम्प्लॉयज वो अपॉइंट हुआ है एंड यहाँ 5 अप्रैल 2021 मीन्स 365 डेज के लिए वो अपॉइंट हुए हैं एंड ये रेगुलर है क्योंकि रेगुलर ओनली पार्टिसिपेट किया है आरपीएफ में। एंड जो भी आपका कैजुअल एम्प्लॉय है वो पार्टिसिपेट नहीं किया है तो कैजुअल एम्प्लॉय नहीं जाएगा। तो उसके बाद ये 24,000 है मीन्स ये एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है, ये एलिजिबल हो जाएगा 25,000 से कम। उसके बाद यहाँ पे 125 एम्प्लॉयज अपॉइंट हुआ है 1 मई 2021 रेगुलर है बट 26,000 मीन्स 25,000 से ज्यादा है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद 50 एम्प्लॉयज है 1 अगस्त 2021 अगर देखेंगे ये आपका 240 डेज से तो कम होगा बट यहाँ पे कैजुअल एम्प्लॉयज आ जाता है तो कैजुअल एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट नहीं किए तो इसलिए अलाउ नहीं होगा। ये 24,500 ये 25,000 से कम है तो यहाँ पे अलाउ नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसके बाद 100 एम्प्लॉयज है वो 1 सितंबर 2021 में अपॉइंट हुआ है, रेगुलर है 24,000 जो कि 25,000 से कम है बट यहाँ पे कितना दिन के लिए अपॉइंट हुआ है देख लेते हैं। तो वो 1 सितंबर से अपॉइंट हुआ है तो सितंबर 30 डेज है, अक्टूबर 31 है, नवंबर 30 है, डिसंबर 31 है, जनवरी 31 है, फरवरी 28 है, मार्च 31। तो ये टोटल 212 डेज के लिए अपॉइंट हुआ है मीन्स ये 240 डेज से कम है तो इसलिए यहाँ पे भी वो एलिजिबल नहीं होगा। ओनली ये वाला एम्प्लॉय जो कि 75 एम्प्लॉयज है वो एलिजिबल होगा। तो चलो इसका एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई हो जाएगा 24,000, उसके बाद 12 मंथ कितना मंथ के लिए है, 12 मंथ है क्योंकि 1 अप्रैल से है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे
75 मल्टीप्लाई हो जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, तो ये टोटल होगा 2,16,00,000 है, उसका 30% डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, 80JJA में कितना डिडक्शन मिलेगा, तो ये जो 2,16,00,000 है उसका 30% डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, 30% डिडक्शन मिल जाएगा, तो ये होगा टोटल 64,80,000 डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्या पूछा है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर ए हैज कमेंस द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ फुटवेयर ऑन 5 फरवरी 2021। अगर यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, अगर वो फुटवेयर बिजनेस कमेंस करता है ना, कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अलग बिजनेस नहीं करके, कंप्यूटर सिस्टम अगर नहीं करके अगर फुटवेयर बिजनेस करता है, तो वहां पे मेनली 150 दिन देखेंगे ना कि 240 डेज देखेंगे। तो यहाँ पे 150 दिन अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो 212 डेज है तो वो 150 दिन से ज्यादा है, तो यहाँ पे भी ये वाला पॉइंट भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपका कवर हो जाएगा, तो ये कवर हो जाएगा, तो इसलिए ये पॉइंट भी ऐड हो जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम ब्लू में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना मंथ है यहाँ पे, सितंबर है, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 7 मंथ है। ठीक है, 7 मंथ है, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, तो कितना होगा यहाँ पे टोटल, अगर देखेंगे टोटल कितना होगा, 100 मल्टीप्लाई होगा कितना, 24,000 मल्टीप्लाई होगा 7 प्लस 2,16,00,000 है, तो टोटल ये हो जाएगा 3,84,00,000 हो जाएगा। ठीक है, 84,00,000 हो जाएगा, उसके बाद उसका डिडक्शन कितना मिलेगा, 80JJA में कितना डिडक्शन मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3,84,00,000 इसके ऊपर 30%, इसके ऊपर 30% कितना होगा, तो ये होगा 1,15,20,000। ठीक है, तो ये था, यहाँ पे मिल जाएगा इतना डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो उसके बाद आगे चलते हैं, आगे है आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 17। ठीक है, इलुस्ट्रेशन नंबर 17 है, तो आ जाइए, इलुस्ट्रेशन नंबर 17 है, क्या दिया है यहाँ पे, मिस्टर आकाश रिसीव रॉयल्टी 2,88,000 फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री फॉर बुक ऑथर बाय हिम बींग ए वर्क ऑफ लिटरेरी नेचर। तो यहाँ पे मिस्टर आकाश वो मैंने रॉयल्टी रिसीव कर रहे हैं 2,88,000 का, फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री, किसके लिए, फॉर बुक ऑथर बाय हिम इन लिटरेरी नेचर का है। ठीक है, एंड द रेट ऑफ रॉयल्टी 18% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक्स, तो यहाँ पे रेट ऑफ रॉयल्टी 18% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक्स है, एंड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हिम फॉर अर्निंग दिस रॉयल्टी वाज 40,000। तो यहाँ पे मेनली वो एक्सपेंडिचर की है, वो रॉयल्टी के लिए अर्न करने के लिए मेनली 40,000 का एक्सपेंडिचर की है, तो 40,000 लेस हो जाएगा आपका 288,000 से, क्योंकि जो भी इनकम से अगर एक्सपेंडिचर की है तो लेस हो जाता है 80 QPB में। ठीक है, QPB में लेस हो जाता है। उसके बाद दी अमाउंट रेमिटेड टू इंडिया टिल 30 सितंबर 2021 इज 2,30,000, तो जो भी रेमिट किया है आपका 30 सितंबर 2021 तक, तो उसको हम ही कैलकुलेशन में लेंगे, एंड उसके बाद जो कि आपका ईयर जब खत्म होता है उसका 6 मंथ तक जो भी वो कलेक्ट किया है उसको ही हम लेंगे, जो कलेक्ट नहीं किया है उसको हम नहीं लेंगे कैलकुलेशन में, तो ये 2,30,000 को लेंगे कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद दी रिमेनिंग अमाउंट वॉज नॉट रेमिटेड टिल 31 मार्च, मीन्स वो रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे रेमिट नहीं किया है, तो नहीं किया है तो नहीं कैलकुलेशन को लेंगे। कंप्यूट दी अमाउंट इंक्लूडेबल इन द ग्रॉस टोटल इनकम, मीन्स GTI में कितना अमाउंट हम इंक्लूड करेंगे ऑफ मिस्टर आकाश एंड द अमाउंट ऑफ डिडक्शन व्हिच ही विल बी एलिजिबल फॉर अंडर सेक्शन 80 QQB। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा है, पहला है कितना अमाउंट हम GTI में इंक्लूड करेंगे, कितना अमाउंट GTI में इंक्लूड करेंगे, तो टोटल वो 2,88,000 का रॉयल्टी का इनकम था, उसमें से जो भी एक्सपेंडिचर किया है तो उसको रिड्यूस कर लेंगे, तो एक्सपेंडिचर 40,000 उसको रिड्यूस कर लेंगे, तो जो भी बचेगा 2,48,000 उसको हम लेंगे GTI में। ठीक है, उसको हम लेंगे GTI में, तो यहाँ पे GTI में लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 2,48,000 है। उसके बाद हम अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैलकुलेशन करेंगे, तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन के लिए पहले देखेंगे कि वो रेमिट कितना किया है, तो रेमिट टोटल किया है 2,30,000, तो 2,30,000 टोटल 18% वैल्यू में लिया है। ठीक है, 18% वैल्यू में लिया है, बट हमको अलाउ होता है 15% वैल्यू में। ठीक है, 15% वैल्यू में हमको अलाउ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रॉयल्टी पहले कैलकुलेशन करेंगे, तो 2,88,000 कितना परसेंट में है,
ये है आपका 18% में कैलकुलेशन किया है बट 15% अलाउ होगा, तो हमको 15% को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 288,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 18, तो यहाँ पे 240,000 मेनली रॉयल्टी के लिए डिडक्शन अलाउ, मेनली अलाउ हो जाता है। बट यहाँ पे जो भी वो इंडिया को लाया है 230,000 इंडिया को रेमिट किया है तो वो अलाउ होगा, उसमें से हम 40,000 रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा यहाँ पे। रेस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा, तो रेस्ट्रिक्ट मेनली आपका 240,000 अलाउ होना था रॉयल्टी, बट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा कितना, तो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा 230,000 जो भी रेमिट किया था उसमें से जो भी एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्सपेंडिचर आपका इनकम में नहीं जाता है तो इसलिए यहाँ पे डिडक्शन में भी नहीं जाएगा। अगर वो इनकम में नहीं जाएगा तो डिडक्शन में कैसे जाएगा, तो इसीलिए उसको रिड्यूस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा 80QQB में आपका कितना 190,000, ठीक है 190,000। तो ये था आपका इलुस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 17 है। उसके बाद चलो चलते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 18 है, इलुस्ट्रेशन नंबर 18 है, आ जाते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 18 है, आ जाइए। तो यहाँ पे इलुस्ट्रेशन नंबर 18 में क्या दिया है, उसके बाद इलुस्ट्रेशन नंबर 18 है, मिस्टर ए एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एज है 61 ईयर्स, ठीक है। मिस्टर ए एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसका एज है 61 ईयर्स, मीन्स सीनियर सिटीजन है, हैज अर्न ए बिजनेस इनकम कंप्यूटेड 135,000, तो उसका बिजनेस इनकम है 135,000 जो ऑलरेडी कंप्यूट हो चुका है, तो हमको और कंप्यूट नहीं करना पड़ेगा। उसका लॉटरी इनकम है 120,000, तो ग्रॉस है फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22, मीन्स लॉटरी इनकम है 120,000। ही ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपोजिट है 30,000 विथ बैंक, तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपोजिट है 30,000 बैंक में है। एंड ही इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 150,000 पीपीएफ में, पीपीएफ अकाउंट में वो इन्वेस्ट किया है 150,000। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, अज्यूमिंग दैट ही डज नॉट ऑफ 115 PS, ठीक। तो यहाँ पे मिस्टर ए का हम टोटल इनकम पहले कंप्यूट करेंगे, ठीक है, टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे। तो आ जाइए पहले हम इनकम यहाँ पे कंप्यूट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन मेरे सामने है, पहला पीजीबीपी का इनकम है, तो यहाँ पे पीजीबीपी का इनकम है कितना है 135,000, ठीक है। और क्या है, और एक है उसका लॉटरी इनकम, ठीक है, लॉटरी इनकम ये मेनली आईएफएस हेड में आ जाता है, ये है 120,000 है। और एक है इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम है आपका 30,000, ठीक है 30,000 है, तो टोटल है 285,000 है, ठीक है 285,000 है, जो कि है जीटीआई है, उसमें से हम डिडक्शन करेंगे। तो डिडक्शन मेनली दो मिल जाएगा, एक है 80C में मिल जाएगा पीपीएफ को जो भी कंट्रीब्यूशन किया था, जो कि 150,000 का है, दूसरा है 80 TTB में, ये एक सीनियर सिटीजन है तो टीटीबी में डिडक्शन मिल जाएगा, तो टोटल वो 30,000 का यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट के लिए कंट्रीब्यूट किया था तो वो भी डिडक्शन मिल जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 180,000 वो डिडक्शन मिल जाएगा। बट यहाँ पे वो अगर देखें उसका इनकम कितना है, तो ये जो लॉटरी इनकम के लिए कोई भी यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है, लॉटरी इनकम से कोई भी डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। बाकी जो भी बचा है ये दोनों इनकम टोटल अगर मिलाएंगे तो 165,000 है, ठीक है 165,000, ये दोनों इनकम अगर देखेंगे जो नॉर्मल इनकम है उसमें से डिडक्शन मिलता है, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा 165,000 है। एंड जो भी बाकी बचेगा 1 लाख कितना बचेगा, 285,000 माइनस 165,000, तो जो भी 120,000 है वो है उसका जो भी क्या है यहाँ पे एनटीआई है, टोटल इनकम या एनटीआई उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 18 खत्म हुआ, उसके बाद इलुस्ट्रेशन नंबर 19 को चलते हैं, आ जाइए 19 को, तो यहाँ पे इलुस्ट्रेशन नंबर 19 क्या दिया है, मिस्टर गुरनाम एज है 42 ईयर्स, हाज सैलरी इनकम कंप्यूटेड 5,50,000 फॉर द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2022, मीन्स यहाँ पे मिस्टर गुरनाम है, एज है 42 ईयर्स है एंड सैलरी इनकम है कंप्यूटेड ऑलरेडी हो चुका है, मीन स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी कंप्यूट हो चुका है, जो कि 5,50,000 है फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 में। ही हैज अर्न इंटरेस्ट है 14,500 ऑन सेविंग बैंक अकाउंट विथ SBI ड्यूरिंग द ईयर, तो उसका सेविंग बैंक अकाउंट में है 14,500 वो इंटरेस्ट अर्न किया है। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर गुन्नम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, तो यहाँ पे कंप्यूट करेंगे मिस्टर गुन्नम का टोटल इनकम कितना होगा फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 फ्रॉम द
फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, अज्यूमिंग दैट ही डज नॉट ऑप्ट 115 बीएससी, तो यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि वो 115 बीएससी ऑप्ट नहीं किया है। तो यहाँ पहला पॉइंट है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस इन कैश अमाउंटिंग टू 25,000 फॉर इंश्योरेंस ऑफ हिज लाइफ ऑफ हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स, द इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज टेकन ऑन 15 जुलाई 2019 एंड दिस अमाउंट ऑफ लाइफ ऑफ हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स इज 2 लाख। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका पेरेंट्स का लाइफ के लिए अगर आप एलआईसी लेते हैं तो वहां पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। एटीसी में मेनली आपका ब्रदर सिस्टर भी नहीं आएंगे, सेल्फ आएगा, स्पाउस आएगा एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन आएंगे, तो यहाँ पे आपका नहीं आएगा ये जो ये पॉइंट में कोई भी एटीसी में डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट्स आ गया है, डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो तो यहाँ पे कोई भी एटीसी में डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,500 पेड फॉर इंश्योरेंस ऑफ हिज लाइफ ऑफ हिज मेजर सॉन हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। तो यहाँ पे 25,500 का वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है ऑफ हिज मेजर सॉन बट वो डिपेंडेंट नहीं है एंड दिस सम एश्योर्ड ऑन लाइफ ऑफ हिज इज 3,50,000 एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाज टेकन 30 मार्च 2012, मीन्स यहाँ पे 30 मार्च 2012 जो कि 31 मार्च 2012 से पहले, तो यहाँ पे 20% का डिडक्शन मिलेगा, 20% ऑफ सम एश्योर्ड और 25,500। तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड अगर देखेंगे 3,50,000 जो कि हो जाएगा 70,000 और 25,500 व्हिच इज वेरी लो, तो यहाँ पे ये डिडक्शन मिल जाएगा, लोअर अमाउंट है 25,500 है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक 22,500 फॉर इंश्योरेंस ऑफ हिज लाइफ, द पॉलिसी वाज टेकन 8 सितंबर 2018 में लिया है एंड दिस सम एश्योर्ड 2 लाख, मीन्स यहाँ पे 5 अप्रैल 2012 के बाद है, तो यहाँ पे 10% मिलेगा। 10% किसका? सम एश्योर्ड, तो सम एश्योर्ड है यहाँ पे 2 लाख है, 2 लाख का 10% अगर देखें 20,000 और 22,500 व्हिच इज लोड, तो यहाँ पे 20,000 का एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रीमियम पेड 26,000 पेड बाय चेक फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ सेल्फ एंड हिज वाइफ, तो यहाँ पे एटीडी में मैक्सिमम सेल्फ एंड वाइफ के लिए मिलता है, चिल्ड्रन के लिए मिलता है आपका 25,000, तो यहाँ पे एटीडी में 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, 1500 पेड इन कैश फॉर हिज हेल्थ चेकअप एंड 4,500 पेड इन चेक फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ हिज पेरेंट्स हु आर सीनियर सिटीजन, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ हेल्थ चेकअप नॉर्मली आपका कैश में अगर होगा कोई भी अलाउ नहीं होगा, कैश में अगर हेल्थ चेकअप नॉर्मल, अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होगा तो वहाँ 5,000 का डिडक्शन मिलेगा, बट अगर हेल्थ चेकअप नॉर्मली है तो यहाँ पे कैश में हो रहा है तो इसलिए 1500 के लिए कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट अगर देखें 4500 है जो कि चेक में है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ हिज पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो वो डिडक्शन मिल जाएगा 4500, वो एटीडी में डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि पेरेंट्स के लिए मैक्सिमम मिलता है आपका 50,000 का। ठीक है, उसके बाद वो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, पेड इंटरेस्ट 6,500 ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक फ्रॉम एमबीए कोर्स परस्यू हिज डॉटर, तो यहाँ पे एमबीए कोर्स के लिए वो इंटरेस्ट टेकन कर रहा है, तो यहाँ पे एटीई में डिडक्शन मिल जाएगा, वहां पे एटीई में डिडक्शन मिल जाएगा 6,500। उसके बाद वो एक सॉम डोनेशन किया है 5,000 इन कैश टू ए इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 80G फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, तो यहाँ पे 80G में डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि वो कैश में पेमेंट कर रहा है, डोनेशन कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो चलो यहाँ पे तो ऑलरेडी हम कैलकुलेशन कर चुके हैं क्या क्या है, तो पहले भी हम थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे सामने क्वेश्चन है, तो यहाँ पे उसका 2 इनकम है, पहला एक है उसका सैलरी का इनकम है जो कि है सैलरी का है 5,50,000 है एंड दूसरा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 14,500, तो अगर इसको टोटल करेंगे तो 564,500, उसके बाद डिडक्शन क्या होगा, तो ऑलरेडी हम कैलकुलेशन कर चुके हैं एटीसी में क्या मिलेगा 25,500 और एक है 20,000 है और आपका है 80 डी में है 25,000 और एक है 4,500, उसके बाद यहाँ पे 80G में नहीं है, 80E में मिल जाएगा। ठीक है, 80E में मिल जाएगा जो कि है 6,500 एंड यहाँ पे 80G में कोई भी डिडक्शन नहीं है, नील है, तो हमारा स्टूडेंट सब उनका सेक्शन नंबर पूरा याद रह जाता है क्योंकि हम 8 to 12 टाइम्स क्लास में ही रिविजन करते हैं, तो इसलिए उनका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं एंड उनका हर एक सेक्शन नंबर भी याद हो जाता है। तो इसको टोटल अगर करेंगे कितना होगा, 25,500 प्लस
25,000 प्लस 20,000 प्लस 4,500 प्लस 6,500, तो टोटल यहां पे अगर देखेंगे, यहाँ पे और एक है, और क्या है, और एक है हम भूल गए हैं, जो कि है 80। यहाँ पे सीनियर सिटीजन है या नॉर्मल है, तो नॉर्मल है, तो यहाँ पे 80 टीटीए है, 14,500 है, बट मैक्सिमम 10,000 मिलेगा, तो टोटल यहाँ पे अगर करेंगे तो ये 91,500 है, रिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। 91,500 जो भी रहेगा उसको बोलेंगे एनटीआई, ठीक है। तो ये था आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 19 है। उसके बाद और है क्या? नहीं है। उसके बाद आपका इलुस्ट्रेशन खत्म हो गया है। अभी हम क्वेश्चन को आ जाइए, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, आ जाइए, क्वेश्चन पेज नंबर 80 है, 81। तो ये टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 1 है। वो क्या दिया है? एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आपको यहाँ पे एग्जामिन करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है एज पर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो पहला है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 मिस्टर अमित पेड इंटरेस्ट ऑन लोन अवेल्ड बाय हिम फॉर हिज सन हायर एजुकेशन के लिए। हिज सन इज ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन ए फार्म। मिस्टर अमित विल गेट एंड दी डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 80। तो यहाँ पे मेनली अगर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, हायर एजुकेशन के लिए, तो वहां पे डिडक्शन मिल जाता है खुद के लिए, सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रेन के लिए, एंड अगर आप इसका गार्डियन एज ए बिहेव करते हैं तो वहां पे डिडक्शन मिल जाएगा, चाहे वो एम्प्लॉयड हुआ है या नहीं हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, डिडक्शन 80E में मिल जाता है 8 साल के लिए। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे उसको मिल जाएगा, चाहे ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, चाहे वो एम्प्लॉयड हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में है, सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड विल क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर 80C। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर आप सब्सक्रिप्शन करते हैं नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड, तो वहां पे आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, और क्या इसमें समझाएंगे, अगर गलत होता तो वहां पे सही जो उसको बताना पड़ता। उसके बाद इन ऑर्डर टू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर 80C, इन्वेस्टमेंट और कॉन्ट्रीब्यूशन और सब्सक्रिप्शन एक्सेट्रा इन एलिजिबल और अप्रूव्ड मोड्स शुड बी मेड आउट ऑफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स। ऐसे कोई बात नहीं है कि आप ओनली ये डिडक्शन मिलेगा अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे आउट ऑफ आपका चार्जेबल इनकम से, ऐसे कोई बात नहीं है। आप चार्जेबल या आपका एग्जम इनकम से भी आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या डोनेशन कर सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है कि आप ओनली चार्जेबल इनकम से ही आप कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ भी बोला है कि आप ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे अगर चार्जेबल इनकम से, तो वहां पे आपको एग्जेम्पशन मींस डिडक्शन मिलेगा, बट ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है, आप कोई भी इनकम से कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, यहाँ पे है, वेयर एन इंडिविजुअल रिपे सम 30,000 टुवर्ड्स प्रिंसिपल एंड 14,000 एज इंटरेस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम ए बैंक फॉर परस्यूइंग एलिजिबल हायर स्टडीज, द डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 80E इज 44,000। तो यहाँ पे बोल रहा है अगर कोई भी इंडिविजुअल वो रिपे कर रहा है 30,000 एज प्रिंसिपल रिपेमेंट एंड 14,000 एज इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन, तो वहां पे बोल रहा है कि पूरा 80E में 44,000 मिल जाएगा क्या, पूरा टोटल के ऊपर? नहीं, ओनली वहां पे मिलता है इंटरेस्ट के लिए डिडक्शन मिलता है 80E में, मीन्स यहाँ पे ओनली आपका 14,000 के लिए डिडक्शन मिलेगा, 14,000 के लिए डिडक्शन मिलेगा, ना कि 44,000 के लिए, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट है ये जो स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे मिसेस सिला एक विडो ऑफ मिस्टर सतीश हु वाज एन एम्प्लॉई ऑफ मेसर्स एक्सवाईजेड लिमिटेड रिसीव 7 लाख ऑन 5 मई 2021 बीइंग एन अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ मिस्टर सतीश इन हिज एनपीएस अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज डिडक्शन हैज बीन अलाउड अंडर सेक्शन नंबर 80CCD। मैं बता देता हूँ कि जो मिसेस सिला वो विडो ऑफ मिस्टर सतीश वो काम कर रहे थे मेसर्स एक्सवाईजेड लिमिटेड में, तो वो डेथ हो गया, उसीलिए जो उनकी वाइफ को मिला है 7 लाख 1 मई 2021 में, एंड वो कौन सा अमाउंट है, वो जो भी स्टैंडिंग था उनका अमाउंट किसमें, जो उसका एनपीएस अकाउंट में 80CCD में। तो यहाँ पे बता रहा है कि मिस्टर सतीश इन दी अर्लियर प्रीवियस ईयर, तो पहले ईयर में जो भी था उनका क्रेडिट एनपीएस अकाउंट में, एंड सच अमाउंट रिसीव्ड बाय हर एज ए नॉमिन ऑन क्लोजर ऑफ हिज अकाउंट इज डीम्ड टू बी हर इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। तो यहाँ पे बता रहा है जो भी इनकम क्लोजर ऑफ दी एनपीएस अकाउंट, तो वो उनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा क्या, मीन्स उनका इनकम हो जाएगा क्या? तो मैं बता दे रहा हूँ कि 80CCD में अगर क्लोजर ऑफ अकाउंट हो जाता है ड्यू टू डेथ या कोई भी इंसैनिटी, तो वहां पे जो भी उसका नॉमिन को मिलता है पैसा क्लोजर ऑफ द अकाउंट इन एनपीएस, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है पूरा, तो इसलिए उनका कोई भी इनकम नहीं होगा। ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा एज पर 80CCD सब्सक्रिप्शन के हिसाब से, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद है
मिस्टर विशाल एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000 टुवर्ड्स टीयर 2 अकाउंट ऑफ एनपीएस। तो यहाँ पे मिस्टर विशाल एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 50,000 टुवर्ड्स टीयर 2 अकाउंट ऑफ एनपीएस। दिस सेम वुड बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 80CCD। तो वो एलिजिबल होगा क्या 80CCD? तो 80CCD में तो ऐसे कोई भी नहीं है प्रोविजन, तो ये आपका प्रोविजन है 80C का है, ठीक है। तो ये 80C का है ना कि 80CCD है, तो यहाँ पे गलत बता दिया है, ये सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर ही गलत बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी प्रोविजन 80CCD में नहीं है, 80C में है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 को आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, एग्जामिन द अलाउबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे एग्जामिन करेंगे कि ये अलाउबल होगा या नहीं होगा। तो पहला है, राजन हैज टू पे टू ए हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट 62,000, स्पेंड नथिंग फॉर लाइफ इंश्योरेंस और मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट डिजेबल। तो यहाँ पे राजन क्या कर रहा है कि वो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए 72,000 पेमेंट कर रहा है, बट वो कोई भी लाइफ इंश्योरेंस मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट डिजेबल के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे, ओनली वो ट्रीटमेंट के लिए वो पेमेंट कर रहा है 62,000, ठीक है, 62,000 ओनली पेमेंट कर रहा है। तो आपका एक सेक्शन है 80DD, तो वहां पे बता रहा है कि अगर आप कोई भी एक्सपेंडिचर करें या नहीं करें तो वहां पे 75,000 नॉर्मल डिजेबिलिटी के लिए एंड 125,000 सीवियर डिजेबिलिटी के लिए डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेनली 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा 80DD में, ठीक है, चाहे आप एक्सपेंडिचर किए हैं या नहीं किए हैं, तो यहाँ पे अलाउ हो जाएगा 75,000। अगर सीवियर डिजेबिलिटी होगा तो वहां पे 125,000 डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, राजा एक रेसिडेंट इंडियन है, हैज स्पेंड नथिंग फॉर ट्रीटमेंट इन द प्रीवियस ईयर एंड डिपॉजिटेड 25,000 विद LIC फॉर मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट डिजेबिलिटी। वही है 80DD में, आप कोई भी एक्सपेंडिचर किए हैं या नहीं किए, डिपॉजिट किए हैं नहीं किए, तो वहां पे 75,000 नॉर्मल डिजेबिलिटी के लिए एंड 125,000 सीवियर डिजेबिलिटी के लिए डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, सेम ही होगा यहाँ पे, सेम होगा, ठीक है। उसके बाद है, राजन हैज इनकर्ड 20,000 फॉर ट्रीटमेंट एंड 25,000 वाज डिपॉजिटेड विद LIC फॉर मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट डिजेबिलिटी। वही सेम प्रोविजन होगा, आप कोई भी एक्सपेंडिचर किए हैं या डिपॉजिट किए हैं या LIC को पेमेंट किए हैं या नहीं किए, तो भी आपको 75,000 नॉर्मल डिजेबिलिटी के लिए एंड 125,000 सीवियर डिजेबिलिटी के लिए एग्जेंप्शन मिल जाएगा। उसके बाद पेमेंट कर रहा है 50,000 बाय चेक टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट बाय एन इंडियन कंपनी। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट को अगर इंडियन कंपनी कोई भी यहाँ पे डोनेशन करेगा तो वहाँ पे 80GGB में पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, बट वो अदर देन कैश होना चाहिए। तो यहाँ पे मेनली वो चेक में कर रहा है, तो पूरा डिडक्शन मिल जाएगा 50,000, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे क्या दिया है। तो यहाँ पे फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ MFR चतुर्वेदी ए रेसिडेंट इन इंडिया वाज 818,240 rupees विच इंक्लूड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसमें है 2,45,000 टैक्सेबल अंडर 112, मींस ये स्पेशल इनकम है, उसके ऊपर डायरेक्ट 20% टैक्स लगता है, इसको अलग से दिखाना पड़ेगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 58,000 है, तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो कि 58,000 का है एंड दी GTI ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरेस्ट इनकम है 12,000 फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट डिपोजिट एंड विथ बैंक एंड 40,000 एट इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपोजिट। तो यहाँ पे एज कितना है, एज नहीं दिया है ना, तो आगे देखते हैं। अगर नॉर्मल इंडिविजुअल होगा तो वहां पे ओनली सेविंग बैंक अकाउंट के लिए मिलेगा 10,000, अगर सीनियर सिटीजन होगा तो टोटल के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए 80TB में डिडक्शन मिल जाएगा। विद बैंक मिस्टर चतुर्वेदी हैज इन्वेस्टेड PPF में 120,000 एंड ऑल्सो पेड ए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 51,000। तो यहाँ पे 50,000 मिलेगा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 80D में एंड PPF के लिए 120,000। मिस्टर चतुर्वेदी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000 टू ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80G। तो यहाँ पे 80G के लिए हमको देखना पड़ेगा, वहाँ पे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट मीन्स यहाँ पे सीलिंग लिमिट 50% वाला है एंड देखेंगे वहाँ पे कैलकुलेशन करना है ऑफ अकाउंट पे चेक कंप्यूट दी टोटल इनकम एंड टैक्स देयर ऑन। टैक्स भी यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए दिया है, तो यहाँ पे टाइम तो लगेगा एंड प्रोसीजर भी लंबा होगा एंड चतुर्वेदी का एज है 70 years मीन्स ऑन 31st March 2022। तो यहाँ पे टोटल 80TTB में 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इग्नोर करेंगे प्रोविजन ऑफ 115 BSC। तो चलो नीचे इसको कैलकुलेशन करना है हमको पूरा डिटेल प्रोसीजर में, ठीक है। तो आ जाइए मेरे सामने क्वेश्चन है। तो पहले GTI कितना है, तो GTI है यहाँ पे 818,240 rupees है, उसमें से हमको ये जो 112 वाला इनकम को अलग दिखाना पड़ेगा क्योंकि उसमें से आपका डिडक्शन नहीं मिलता है, तो इसलिए उसको डिडक्ट कर लेंगे। पहले नॉर्मल इनकम जो भी रहेगा उसमें से डिडक्ट हो जाएगा आपका डिडक्शन,
बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलता है बट यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलता है। तो इसमें से पहले 80C में देखें कितना होगा, जो कि पीपीएफ में वो डिपॉजिट किए हैं, तो पीपीएफ में टोटल 1,20,000 डिपॉजिट किए हैं। उसके बाद 80D में, 80D में भी वो 51,000 डिपॉजिट किए हैं बट वो मैक्सिमम मिलेगा 50,000, ठीक है, जो भी मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी लिए हैं, ठीक है, क्योंकि सीनियर सिटीजन है, मैक्सिमम 50,000 मिलेगा। उसके बाद है यहाँ पे 80TTB है, तो 80TTB में यहाँ पे दो दो वो इनकम को आए, सेविंग बैंक अकाउंट एंड उसका जो भी फिक्स डिपॉजिट है, टोटल कितना हुआ है। अगर क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में टोटल है, टोटल वो कितना किए हैं, 12,000 प्लस 40,000, तो यहाँ पे अगर देखें 12,000 प्लस 40,000 है तो टोटल यहाँ पे 52,000 किए हैं बट मैक्सिमम 50,000 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 80G में देखेंगे, तो 80G का हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि 80G में सीलिंग लिमिट वाला है, तो यहाँ पे 80G को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 80G के लिए पहले हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, जो भी टोटल इनकम है, जो भी टोटल इनकम है कितना है, 5,70,000 80G के लिए, ठीक है, यहाँ पे नोट में 80G का कंप्यूट करेंगे। तो 80G का कितना डिडक्शन मिलेगा, तो टोटल है 5,73,240 रुपीज, उसमें से हम तीनों डिडक्शन लेस करेंगे तो तीनों डिडक्शन कितना होगा, टोटल 1,20,000, एक है और एक है आपका 50,000 और एक है 50,000, तो टोटल कितना होगा यहाँ पे, तो टोटल होगा 5,73,240 रुपीज माइनस 2,20,000, तो यहाँ पे होगा 3,53,240 रुपीज। यहाँ पे इसका 10% लेंगे, तो 10% अगर होगा ये होगा 35,324 रुपीज। और आपका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना यहाँ पे हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन किया है और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है 50,000, व्हिच एवर इज लोअर, तो लोअर कौन सा होगा, तो लोअर होगा ये वाला, एंड इसका भी 50% लेंगे, ठीक है, इसका भी 50% लेंगे, 35,324, तो कितना होगा 35,324 उसका 50%, तो ये होगा 17,662 रिडक्शन मिलेगा, 17,662। तो यहाँ पे अगर देखेंगे टोटल कितना हो रहा है, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे आपका कैलकुलेशन 2,00,000, ये 17, टोटल होगा 2,37,662, तो इसको रिड्यूस करेंगे, इसमें से इसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है, 5,73,240 रुपीज माइनस 2,37,662, तो ये होगा 3,35,578 प्लस उसके साथ जो भी स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम कितना है 2,45,000 है, तो इसको ऐड करेंगे 2,45,000, तो ये होगा 5,80,578 है, उसको हम राउंडिंग अप करेंगे तो ये हो जाएगा 5,80,580 रुपीज। तो चलो अभी टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, तो टैक्स कैलकुलेशन करेंगे नीचे, तो नीचे क्या होगा, पहले हम जो भी स्पेशल इनकम के ऊपर डायरेक्ट 20% कैलकुलेशन कर लेंगे 112 में, जो कि है 2,45,000, इसका 20% कितना होगा, तो यहाँ पे होगा 49,000 है, ठीक है, 49,000 बैलेंस जो भी इनकम है, तो बैलेंस इनकम कितना है, बैलेंस इनकम यहाँ पे अगर देखेंगे होगा 3,35,580 रुपीज, उसमें से यहाँ पे सीनियर सिटीजन है तो 3,00,000 तक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो 3,00,000 डिडक्ट कर देंगे, जो भी रहेगा उसके ऊपर 5%, तो ये होगा कितना होगा 1,759 यहाँ पे, और एक बार है 1,759 यहाँ पे होगा, उसको टोटल करेंगे तो कितना होगा 49,000, इसके ऊपर हम ये होगा टोटल 50,779, इसके ऊपर हम हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% HEC ऐड कर देंगे, तो ये होगा 2,031, तो टोटल कर देंगे 52,810 रुपीज टोटल टैक्स लगेगा।
ठीक है, एंड ये मल्टीपल ऑफ 10 है, तो चलो उसके बाद आगे चलते हैं। और एक बात है, यहाँ पे जो राउंडिंग ऑफ किए हैं तो ये मल्टीपल ऑफ 10 कर दिए हैं, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ 78 था तो उसको हम 80 कर दिए हैं, ठीक है, ये राउंडिंग ऑफ कर दिए हैं जो कि आपका प्रोविजन में है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ पे दिया है कि मिस्टर राजमोहन हुज ग्रॉस टोटल इनकम हुआ 640,000 राजमोहन का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 फर्निशेस यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, वो फर्निश किया है। तो पहला है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड 50,000, तो 80C में मिल जाएगा, ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी पेड जो भी पेमेंट करते हैं 80C में मिल जाएगा। उसके बाद 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपोजिट 20,000, वो भी 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद डोनेशन टू ए रिकॉग्नाइज चैरिटेबल ट्रस्ट 25,000, तो ये सीलिंग लिमिट वाला है, ठीक है, सीलिंग लिमिट वाला है, प्लस 50% वाला रेस्ट्रिक्शन भी है, दो दो रेस्ट्रिक्शन है, तो उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G में। उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन ऑफ स्पाउस पेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000, तो ये 80E में डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंप्यूट करेंगे कि टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजमोहन फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 अज्यूमिंग दैट ही हैज नॉट ऑप्टेड 115 BAC, ठीक है। तो आ जाइए पहले हम उसका टोटल इनकम कितना है, तो GTI दे दिया है 640,000 GTI दे दिया है, ठीक है, 640,000 दे दिया है GTI, उसमें से 80C में देखेंगे, ठीक है, 80C में देखेंगे कि कितना होगा। तो 80C में दो दो डिडक्शन, एक है 50,000 है उसका जो भी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, और एक है 20,000 जो कि 5 ईयर टाइम डिपोजिट, तो टोटल 70,000 डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 80E पहले डिडक्ट कर देंगे क्योंकि 80G हमको कैलकुलेशन करना है, तो 10,000 ये भी यहाँ पे डायरेक्ट 10,000 डाल देंगे, ठीक है, दो अगर होता तो यहाँ पे हम ऐड करते ये कॉलम में। उसके बाद है 80G, तो 80G को हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर देखेंगे टोटल ये 10% ऑफ ATI बाहर करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ATI कितना है, तो ATI के लिए हम GTI से डिडक्ट करेंगे जो भी अलग सब डिडक्शन, तो 80,000 अगर डिडक्ट करेंगे तो यहाँ पे ATI कितना होगा, तो 640,000 से अगर हम 80,000 डिडक्ट करेंगे तो यहाँ पे 560,000, ठीक है, 560,000 है, तो ये कितना होगा 10% ऑफ ATI, तो ये होगा 56,000, और यहाँ पे ये कितना है, ये अमाउंट है आपका 25,000, तो व्हिच एवर इज लोअर, 56,000 और 25,000, लोअर कौन सा होगा, ये 25,000, तो इसका हमको 50% कैलकुलेशन करना है जो कि होगा 12,500, तो यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा 12,500, तो ये टोटल जो भी रिड्यूस होने के बाद जो भी बचेगा इसको हम बोलेंगे NTI, टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम बोलेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 है। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं, क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, हम यहाँ पे कंप्यूट करेंगे कितना एलिजिबल डिडक्शन होगा। अब मिस रोमा एज है 40 ईयर्स, उनकी एज है 40 ईयर्स है, हुआ जे ग्रॉस टोटल इनकम 50 लाख है फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 एंड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हर इन्वेस्टमेंट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22, तो उनकी जो भी टोटल इनकम है 15 लाख है फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 एंड अदर जो भी डिटेल्स सब कुछ दे दिया है। तो पहले देख लेते हैं सीरियल नंबर एंड पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट यहाँ पे। तो पहला है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, पॉलिसी टेकन ऑन 31 मार्च 2012 एंड सम एश्योर्ड है 4,40,000, तो यहाँ पे 5 अप्रैल 2012 से पहले, मीन 31 मार्च 2012 या उससे पहले है, तो इसलिए यहाँ पे 20% होगा सम एश्योर्ड का, तो 4,40,000 का अगर 20% देखेंगे 88,000 और प्रीमियम पेड, प्रीमियम पेड कितना है 35,000, तो लोअर कौन सा होगा, तो लोअर ये 35,000 यहाँ पे अलाउ हो जाएगा 80C में। और क्या है आइटम यहाँ पे, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड को 1,50,000 कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, तो ये भी यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। उसके और क्या किया है, रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, तो रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टू भारतीय महिला बैंक बैंगलोर, तो यहाँ पे रिपेमेंट किया है हाउसिंग लोन, तो भी ये 80C में मिल जाएगा डिडक्शन 20,000। उसके बाद पेमेंट टू LIC पेंशन फंड 80CCC में 1,40,000 मिल जाएगा। उसके बाद है मेडिक्लेम पॉलिसी टेकन फॉर सेल्फ वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रेन प्रीमियम पेड बाय चेक 30,000, बट यहाँ पे मैक्सिमम 25,000 का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम 25,000 मिलेगा क्योंकि सेल्फ एंड स्पाउस के लिए, चिल्ड्रेन के लिए मैक्सिमम 25,000। उसके बाद अगर हम सीनियर सिटीजन के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करेंगे फॉर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो वहां पे 50 लाख तक मिलेगा, यहाँ 52,000 है बट मैक्सिमम 50,000 मिलेगा, ठीक है। तो चलो नीचे कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन है कितना डिडक्शन मिलेगा, तो डिडक्शन के लिए पहले 80C देखेंगे, तो 80C में पहले 35,000 यहाँ पे एक था,
उसके बाद पीपीएफ वाला था 150,000 है और एक है 20,000 है आपका रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन इन भारतीय महिला बैंक। तो टोटल यहाँ पे हो रहा है 150,000 35,000 प्लस 20,000, तो ये टोटल 205,000 हो रहा है। बट रेस्ट्रिक्टेड कितना होगा, तो रेस्ट्रिक्टेड होगा 1.5 लाख, क्योंकि 80 सी में मैक्सिमम 1.5 लाख मिलता है। उसके बाद 80CCC में है 1,40,000, 1,40,000 का एक रिडक्शन मिलेगा, तो टोटल 2,90,000 हो रहा है। बट और एक रेस्ट्रिक्शन डाल देता है 80CCE, तो 80CCE बोलता है कि तीनों सेक्शन मिलकर मैक्सिमम मिलेगा रिडक्शन 1.5 लाख का, तो ये बोल रहा है कि 1.5 लाख का मैक्सिमम रिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तीनों सेक्शन क्या है, 80C, 80CCC, 80CCD सबसेक्शन 1 है। उसके बाद और क्या है, और यहाँ पे है आपका और एक है जो भी 80D है, 80D में एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि 25,000 है वो कंट्रीब्यूशन किया है उसके लिए 30,000, बट मैक्सिमम 25,000। और एक है 80D में और एक है 52,000 था बट 50,000 मिलेगा। ठीक है, तो ये टोटल रिडक्शन यहाँ पे हो जाता है, तो टोटल रिडक्शन कितना होगा 2,25,000। ठीक है, 2,25,000, तो यहाँ पे आपका पूरा डिडक्शन चैप्टर कंप्लीट हुआ। एंड आपका यहाँ पे डिडक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन भी था तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा, लगभग आपका 1.25 घंटा लगभग लग गया है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड आज का पार्ट यहीं पे खत्म करती है। आप हमारा जो भी यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए बहुत सारा वीडियो आएगा, लाइक करिए शेयर करिए। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो भी आपका रहेगा पार्ट नंबर 10, उसमें हम सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।